मॉर्निंग पाकिस्तान, एक खूबसूरत फ्रेश सी मॉर्निंग के साथ मैं आपके सामने हूँ। फ्रेश सी कहूँगी तो आपको फ्रेश लगेगी ना, वरना आप मुझे इस वक्त ये कह रहे होंगे फ्रेश निदा गर्मी देखिए बाहर, पसीना पसीना हो रहा है, किचन में खड़े होने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, ओ हो हो हो। लेकिन भाई साफ बात यह है कि हम तो बहुत ही मासूम लोग हैं, हमारी बड़ी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। किचन में खड़े होने को दिल नहीं चाह रहा ना, और मियाँ ने फ़ोन कर दिया सुनो आज कुछ पकाना नहीं, मैं निहारी और रोटी लेके आ रहा हूँ, उफल्ला उछल पड़ते हैं हम खुशी के मारे। हमारा फेवरेट ड्रामा शुरू हो जाए और उसमें हमारे फेवरेट कास्ट हम देख लें, उछल पड़ते हैं हम खुशी के मारे। और तो और पूरे दिन बिजली ना जाए और पंखा चलता रहे हमारे सरों पर, उछल पड़ते हैं खुशी के मारे। शुक्र है कि रोज़ बिजली जाती है, आज नहीं गई, आज तो पता नहीं सूरज किधर से निकला है। फिर तो ख़ास तौर पे मैं, मेरी बड़ी आदत है पर्स बदलने की, जैसे अच्छा चलो थोड़े दिनों बाद पर्स बदल लेती हूँ, या कहीं दावत पे जा रही हूँ तो कोई पर्स में लिया और उसके बाद फिर वैसे ही समेट के अंदर रख दिया। पुराने पर्स में से या किसी पर्स में से मतलब ऐसे ही ना पैसे निकल आए और रख के आप भूल गए हो तो एकदम अनहोनी सी खुशी मिलती है, होती है कि नहीं भाई? दिया हुआ उधार वापस मिल जाए आसानी से, बगैर लड़े बगैर मांगे, वो भी एक खुशी का समय है। और तो और आपकी कमेटी खुल जाए, आपको याद ना हो कि आपकी कमेटी खुलनी है, वो उस वजह पे भी आपको खुशी होती है। और ख़ास तौर पे ये जो मौसम चल रहा है गर्मी का, इसमें बिजली का बिल कम आ जाए तो आपको यकीन नहीं आता, फिर चार दफ़ा चेक करते हैं अपने बिल को कि मेरे घर का ही बिजली का बिल है ना। अरे भाई मियाँ की, मियाँ से तारीफ मिल जाए ससुराल वालों के सामने, वो भी कोई ईद की सी खुशी होती है, वो भी मैं साफ बात कर रही हूँ। आपने कहीं जल्दी पहुँचना और आपको ये कंफर्म हो के आपको रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा, और ट्रैफिक ना मिले इससे भी छोटी छोटी सी खुशियाँ जो है उसमें ये भी शामिल है। कोई खोई हुई चीज़ जिसको आप बरसों से ढूंढ रहे हो और आप एकदम आपकी आंखों के सामने नज़र आ जाए, उसकी भी एक अलग खुशी होती है। सो इंसान जो है वो छोटी छोटी चीज़ों पर खुश होने वाला शख्स है। मैं तो ठेले पे फालसे या जामन देख लेती हूँ, मुझे तो उससे भी खुशी मिल जाती है, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे खुश कर देती हैं। मुझे खुश करने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ की ज़रूरत मुझे नहीं मैसर होती। ये एक बहुत अच्छी नेचर है इंसान के अंदर कि छोटी छोटी खुशियाँ हैं। बच्चे को एक स्टार मिल जाता है कॉपी के अंदर, वो अपनी माँ को दिखाता है, वो भी माँ को खुश कर देता है। वैसे ही जैसे कुछ दिनों पहले मैं देख रही थी कि टीवी देख रही थी या मैं कोई शो देख रही थी, यूट्यूब की कोई चीज़ मेरे हाथ में थी, तो मैंने मुझे एक ऐसी एक्ट्रेस नज़र आई जिनको मैं बहुत पसंद करती थी, जिनको करती थी क्या करती हूँ, लेकिन क्योंकि वो मुल्क छोड़ के चली गई थी, बड़े अच्छे ड्रामों में उन्होंने काम किया, बड़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया और बड़ा अच्छा एक नाम वो बना रही थी यहाँ पे, बल्कि बन चुका था, काफ़ी लोग जलते भी थे कि ये बड़ी जल्दी आई और छा गई। वजह ये थी कि वो खूबसूरत तो थी ही, अच्छी एक्ट्रेस तो थी, मेहनती थी, अपने काम से प्यार करने वाली, कहते ना कि मैंने उसको होमवर्क करते देखा है, उसको अपने कैरेक्टर पर, पूरे गेटअप पर मेहनत करते हुए अपनी आंखों से देखा, लाइक मैं गवाह हूँ। फिर वो एकदम चली गई, उनको मौका मिला और बाहर जाके भी, यानी पाकिस्तान से बाहर जाके भी उन्होंने बहुत अच्छा नाम बनाया और मतलब वहाँ की हीरोइनों की छुट्टी कर दी, इतनी खूबसूरत वो अपनी पहली फिल्म में नज़र आई थी। आई थिंक मर्डर 3 थी उनकी फिल्म, और उसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, और हम जब वो फिल्म देख रहे थे हम बड़ा प्राउड फील कर रहे थे कि हमारे पाकिस्तान की लड़की है। काफ़ी दिनों बाद जब वो मुझे यहाँ नज़र आई तो मैं एक्साइटेड हो गई, मैंने कहा ओ वाओ ये वापस आ गई हैं और अब हमें मौका मिलेगा इनका और काम देखने का। मैंने कहा आज बुलाते हैं उनको शो पे, और उनके जो फैंस हैं जो पहले से उन्हें बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उनको ये बता देते हैं ऑफिशियली कि वो इधर भी आपको अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम करती हुई नज़र आएंगी। तो आज हमारे साथ, उस ज़माने में आप उनको मोना लीजा के नाम से जानते थे, फिर उसके बाद आई डोंट नो कभी कभार कोई नाम सूट भी नहीं करता तो फिर इंसान चेंज करता है, इन्होंने अपना नाम क्यों चेंज किया, क्या वजूहत है, वो सब हम इनसे पूछेंगे। आजकल आप इन्हें सारा लॉरेन के नाम से जानते हैं, अभी रिसेंटली इशरत में आपने इन्हें एक्टिंग करते हुए देखा, और इशरत मेड इन चाइना में, और अब ये किस किस प्रोजेक्ट में आपको नज़र आ रही हैं, क्या ये ड्रामों में भी काम करेंगी, क्या हम इन्हें टीवी पर भी देख सकेंगे, ये सारे सवाल मेरे दिमाग में हैं और आपके भी अगर हैं तो मुझे SMS करें। आइए मिलकर एक जबरदस्त सा शो करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की सुबह ऐसे चेहरे से मिल रहे हैं आप कि आपका दिन अच्छा गुजरेगा। ये मैं पूरी कोशिश करती हूँ ऐसे सुबह सुबह आपको ऐसे चेहरे से मिलाऊं। और क्योंकि बहुत दिनों बाद आई थिंक मैंने जब हिसाब किताब लगाया तो मेरे 13 साल के करियर के इस शो में वो पहले इंटरव्यू देने नहीं आई मेरे पास, और पहली दफ़ा मैं इनको इंटरव्यू कर रही हूँ। आइए इंजॉय करते हैं एक साथ। जो एक्ट्रेस बड़ी मेहनती है, बहुत खूबसूरत है, और कहते हैं कैमरा उससे प्यार करता है, मगर आप वैसे भी नेकेड आई से दिख रहे तो बहुत प्यारी पर्सनैलिटी उनकी वाकई हुई है। आइए मैं थोड़ा सा उनके ऊपर तबसरा करना चाहूँगी एक पैकेज के थ्रू, उनका पैकेज देखते हैं। हमारी आज की मेहमान अपनी बहुत सी खसूसियात की वजह से जानी जाती हैं। आपको खूबसूरती की अलामत समझा जाता है, फैशन इंडस्ट्री में अलग नाम और मकाम रखती हैं, और बैनुल-अक़वामी शोहरत आपकी कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। आपने छोटी उम्र से ही जिम्मेदारियां उठाई और आज पूरी दुनिया में आपका नाम आपकी मेहनत का नतीजा समझा जाता है। शोबिज की दुनिया के सफर का आगाज मॉडलिंग करके किया और कई नामवर ब्रांड्स में मॉडलिंग करते इन्हें देखा गया। आपने पाकिस्तान के मशहूर ड्रामा राबिया जिंदा रहेगी में अदाकारी करके ड्रामा करियर का आगाज किया। इसके साथ ही आपके दीगर सुपरहिट ड्रामास में रियासत, काजल, मकान, संदल, अनोखी, मैं मर गई, शौकत अली, मेहरबानो और शाहबानो शामिल हैं। आप ड्रामास के साथ साथ बड़े पर्दे पर भी देखी जाती रही हैं और इस शोबे में भी अपना बड़ा नाम रखती हैं। आपकी मशहूर पाकिस्तानी फिल्म्स में महनूर, लव में घूम, अंजुमन, सल्तनत, जवानी फिर नहीं आनी 2 और हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म इशरत मेड इन चाइना में भी आपका अहम किरदार शामिल है। आपको फिल्म अंजुमन में बेहतरीन अदाकारी की बिना पर बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। पाकिस्तान में आपकी शोहरत किसी तारुफ की मोहताज नहीं, इसी शोहरत के पेश नज़र आपको पड़ोसी ममालिक से भी कई फिल्म्स में कास्ट किया जाता रहा है जिनको हिट बनाने में आपने बहुत अहम किरदार अदा किया। आप पड़ोसी मुल्क की सुपरहिट फिल्म्स मर्डर 3 और कजरारे में भी मुनफरिद अदाकारी दिखा चुकी हैं। इस फहरिस्त में और भी कई नाम शामिल हैं। कुछ अरसे के वक्फे के बाद आप जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म पर नई आने वाली फिल्म मलका में भी जलवागर हो रही हैं। सो आइए वेलकम करते हैं उस वक्त की मोनालिसा और आज की सारा लोरेन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। भाई मैंने सारा लोरेन से पहले मोनालिसा इसलिए कहा क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं वो आपको आपके उसी नाम से, क्योंकि आपका एक डिफरेंट नाम था, बिल्कुल, इसलिए आपको उस नाम से जानते हैं। So okay. सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो भाई मोनालिसा से सारा लोरेन तक का सफर, नाम चेंज करने की क्या वजह थी? क्या वो कहते हैं ना कभी कभार मेरी कजिन थी उसका पेट खराब हो जाता था, उसका नाम सबू ही था, फिर बाद में उसका मेरे ताया ने नाम फरिया रख दिया। अच्छा, पेट में नाम चेंज करना क्या होता है जब आप एक नया नाम पिकअप करते हैं? हाँ, उसका असर होता है ये मुझे नहीं पता था। तो यू नो मुझे 3-4 साल लगे अच्छा सारा लोरेन को डाइजेस्ट करने में भी। हाँ, मैंने भी सोचा है कि ये कौन है सारा लोरेन ना? हाँ। कौन कहाँ से आई? हाँ, सो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। इट्स लाइक कि मोनालिसा क्योंकि पेंटिंग के साथ रिलेट होता है। हाँ। मेरे पासपोर्ट पे आईडी कार्ड पे मोनालिसा ही है। अच्छा, तो मेरे घर वाले सब मुझे मोना ही कहते हैं, तो जो लोग कहते हैं उन्हें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बट सारा लोरेन फॉर फिल्म, तो हमने 2012 में मैंने डिसाइड किया था और बस तब से कंटिन्यू, आई थिंक इट्स बीन 7-8 ईयर। अच्छा, सो पहले वैसे अगर मैं तुमसे पूछूं असल जैसे बचपन का नाम होता है वो क्या था तुम्हारा? मोना, मेरे पैदा होने से पहले ही डिसाइडेड था कि मोना। मोना इज अरबिक नेम ना, आई वाज बोर्न इन कुवैत, तो वो फिर अरबिक सा नाम थोड़ा। हां, माशाल्लाह मोना इज लाइक मोना या मोना या हलवा या मोना, सो यू नो इट्स लाइक मोना वाज लाइक अ वेरी क्यूट नेम। हां, और मतलब एक होता है ना बड़ा स्लैंग नाम बन जाता है कि हर दूसरे बच्चे के नाम मोना डार्लिंग, कोई ऐसे नहीं वजह से चेंज किया इंडिया में मोना डार्लिंग ना कहना शुरू कर दे। एक्चुअली इसलिए भी चेंज किया। मैं मोना को तब से जानती हूँ, मैं सारा को तब से जानती हूँ जब से वो बिल्कुल वो नहीं होते टीनेज यंग एज, बिल्कुल अभी टेक्निकली छोटी सी एज हो रही थी, बन रही थी, मतलब लाइक नई नई थी तुम और हम, हमारी फील्ड में मुलाकात हुई थी और अच्छी गपशप थी मेरी, काफी हम गप लगाते थे क्योंकि हम लड़काना एक साथ शूटिंग करने गए हुए थे। सो मैं तब से तुम्हें जानती हूँ। बिल्कुल। तो अभी हम रिसर्च कर रहे थे तो मैंने देखा कि क्या ये सच है कि तुम्हारे 11 बहन भाई हैं?
पांच सगे और चार ऐसे दो मदर्स में से है ना, हाँ टू मदर्स में से, तो हाँ सो सबसे मिलती है सारा। अच्छा अब स्टेप मॉम से इतनी ज्यादा मुलाकात नहीं होती है। अच्छा। पहले होती थी, आई थिंक फोन पे मामा की शायद बात होती होगी। अच्छा। तो बट ये है कि ठीक है वो सारे बहन भाइयों से मिलती जुलती थी पहले बचपन में, बचपन में हाँ, हाँ। सबसे मिलती थी, बट अभी तो अभी नहीं। और बाकी जो लाइक सगे बहन भाई हैं वो कोई भी इस फील्ड में नहीं है? नहीं, माय यंगर सिस्टर शी इज अ डिजाइनर, तू अपना एक ब्रांड रन कर रही है, और द अदर वन शी इज हेल्पिंग हर। अच्छा। एंड बाकी भी सब अपना अपना कर रहे हैं, टेक्सटाइल में है कुछ, बट एवरीबॉडी इज इन फील्ड इवन इन। अच्छा। टीवी पे कोई नहीं, मतलब कोई भी टीवी पे कोई नहीं, पता चले कोई सारा से मिलती है लड़की हम कहें अच्छा ये कौन है, इस बात में तो भाई टीवी पे कोई नहीं, और सब उतने प्यारे हैं जितने सारा आप प्यारी है। मुझसे नहीं, मैं सबसे प्यारी बचपन से ही वो होता था ना कि सारे बहन भाइयों में एक अलग से नजर आती थी, सारा टॉम बॉय थी ना, टॉम बॉय थी तो बचपन से कभी मैंने सजना सवरना नहीं सीखा, पता है तुम्हें? नहीं कहो, कसम से। मैं तो जब तुम्हें मिली हूँ तुम्हारे घर में एक सैलून रखा था। हाँ, वो तो अभी भी है मेरा, पूरा एक मेकअप रूम है, बट बिकॉज आई बिकम एन एक्टर सो यू नो मैं एक्ट्रेस हूँ तो क्या करूँ, बट टेक्निकली मुझे सजना सवरना लड़कियों की तरह बहुत, मेरी सिंपल लाइफ में मुझे नहीं आता, मुझे कोई स्टाइलिस्ट कोई चाहिए होता हेल्प के लिए। अच्छा। रोल्स कर लेती हूँ, रोल्स बिल्कुल नजाकत वाले और रोल्स कर लेती हूँ, लेकिन जैसी पर्सनल लाइफ आती है तो मुझे लगता है अच्छा बस जीन्स टी शर्ट ओके चलो, और कुछ पहनाना है तो आई नीड हेल्प, मे बी आई कैन गो रॉन्ग समटाइम्स। तुम टॉम बॉयज क्यों थी, क्या वजह थी बचपन से, क्या भाइयों के साथ रही हो ज्यादा इसलिए बाहर घूमती थी, जीन्स जीन्स एंड पता नहीं क्यों, कितनी अच्छी बात पूछी ना मैंने, क्यों हाँ क्यों थी टॉम बॉयज, ऐसे हो जाता है ना, ऐसा मुझे लगता था बस मेरी बात सुनो, मैं जो कह रही हूँ मेरी बात सुनो, मैं नहीं किचन में चाय बना रही, मैं नहीं जा रही किचन में, आई वाज वेरी गुड बट लेकिन चाय में तो नहीं, मतलब अपने डैड के लिए मैं हमेशा एक ब्लैक टी पीते थे। अच्छा। तो ब्लैक टी लिप्टन की, हाँ लिप्टन, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा तो मतलब लाइक ये वो वाली लड़की भी थी कि किचन में जाके आटा गूंदना तो रोटी बनाना, कुछ नहीं वो तब नहीं, ऐसा नहीं बिल्कुल, टॉम बॉय जिम जिम जा, वो क्या कहते हैं जमिया जाना है, लाइक बकाला बकाला वी कॉल्ड सुपरमार्केट। अच्छा। सुपरमार्केट जाना है और इस तरह की चीजें करनी है, और जबरदस्ती भेजती थी अम्मी या? नहीं नहीं, आई वाज अ गुड 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 स्टूडेंट, वो नहीं। एक और चीज जो अभी बताऊंगी, आजकल लोगों कहेंगे इसको इस्लाम का वो हो गया, हर जगह बैठ के कुछ ना कुछ कह देती है, बट दैट्स हाउ इट इज, बिकॉज काफी ज्यादा जगहों पर जब मैंने देखा ना ये क्रिश्चियन है और ये, तो मैंने कहा लिसन आई एम वेरी मच मुस्लिम, और मुस्लिम के साथ मैं वो बच्ची हूँ जो बचपन से इस्लाम से कनेक्टेड है। कितने बच्चे जो होते हैं मेरे घर में तो नहीं है कोई भी, इतने ज्यादा नहीं है जितनी मैं थी, हाँ। तो मैं क्यों थी, हाँ। शायद मैंने इतने साल नहीं सवाल किया, तुम्हारे नाम की वजह से कहते हैं ना लीजा, और वो उस वजह अच्छा से मोना था, हाँ। लीजा ऐड हो गया, लेकिन क्योंकि बचपन से मैं सारे रिलीजन को सेलिब्रेट करती आई हूँ, हाँ। तो वो मेरी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन गया, तो जब अच्छा। फिल्म के लिए वहाँ पिकअप कर रहे थे ना, मैं पहले सोचा सारा निगाह कर दो, बहुत ऑप्शन ये भी आए ना, नाम के मसले नहीं खत्म हो रहे, मैं काम कब करूंगी, तो ऐसे 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 ऑप्शन, फिर मुझे लगा कि नहीं, क्योंकि लॉरेन जैसे ही शायद इतना मुस्लिम नाम रखूं तो शायद आधे लोग मुझसे कटना ना शुरू हो जाए, हाँ। शायद मेरे दिमाग में था, हाँ। मैं सच बता रही हूँ, हाँ। मुझे लगा जितने भी दूसरे रिलीजन के, इंटरनेशनल नाम रखना नहीं नहीं, जितने भी रिलीजन के लोग हैं दूसरे, दे शुड फील कनेक्टेड टू यू, बिकॉज आई फेल्ट कनेक्टेड टू देम फ्रॉम माई चाइल्डहुड, एंड इट्स नॉट गोना चेंज आई थिंक टिल आई डाई। तो सारा लॉरेन की जो बेसिकली जो हिस्ट्री है, जो लॉजिक के पीछे, वो ये है तुम चाह रही थी कि नाम से ऐसा ना हो कि वो तुम्हें एक जगह, बिकॉज़ वो लोग नहीं, वो मैं क्रिश्चियनिटी के भी काफी करीब हूँ, बाकी रिलीजन अच्छा। मैं हूँ, मैं हाँ। चर्च जाती हूँ, मैं हाँ। सारे टेम्पल्स जाती हूँ, अच्छा। मैं नहीं रह सकती, मैं टेम्पल देखूँ आई गो, हाँ आई गो आई प्रे। अच्छा मैंने ये देखा है तुम्हें कि तुम बहुत हार्ड वर्किंग रही हो, और छोटी सी उम्र में ही तुमने जिम्मेदारी संभाल ली थी सबकी, कि वाकई टॉम बॉयज नहीं थी बल्कि बेटा बन गई घर का, कि मैंने सेट करना है सारे बहन भाइयों को, और कोई होता है किसी के अंदर से होती है चीज, कहीं से आ जाती है ना, जैसे अच्छा, सबा बहन भाई ने देखा है, या बहुत अच्छा बहन भाई तो सीरियस लेते हैं, बट वो कभी कभी सोचते हैं आप इतना क्यों सीरियस ले रही हैं, हाँ समटाइम्स बहन भाई कम्स एंड लाइक व्हाई यू टेक इट सो मच सीरियस अबाउट इट, आई वाज लाइक यू नो व्हाट, इट्स अ प्लान, इट्स अ प्लान ऑफ योर फ्यूचर, इट्स नॉट अबाउट अ वन डे गेम, यू नो यू नीड टू प्लान फॉर 10 ईयर ऑफ योर्स, कि आप स्टडी करके कहां पहुंचते हैं, एंड मे बी अल्लाह ना करे, खैर ये बहुत ही अजीब सी बात बोल रही हूं, बट क्योंकि अपनी माँ को ऐसी सिचुएशन में देखा when dad was not there, तो तकलीफ हो गई, कितनी छोटी थी, हाँ 12 साल की, हाँ। तो फिर ऐसे लगा अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कहीं इस जर्नी के बीच में उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने से पहले
आपको अभी तो बहुत जीना है, कहीं कुछ हो जाए, कुछ आपकी फ्लाइट क्रैश कुछ हो जाती है, तो दिमाग में था नहीं पहले ये हो जाए शायद उसके बाद एक सुकून आएगा. तो वो एक सीरियस लिया मैंने जिंदगी को 10-15 साल बहुत सीरियस लिया. मतलब ये वो होता है ना, बड़ी 12 साल डिटरमिंड, आई एम वेरी डिटरमिंड गर्ल, आई बीन डिटरमिंड, आई एम सिक ऑफ दिस प्रेटी नेचर ऑफ माइन, आई एम जस्ट रिलैक्स नाउ. मतलब तुम हो ऐसी, भूल गई, अब मैं ठीक हो गई, अब आई एम डन, एंड आई एम डन, क्योंकि अब सब सेटल हो गए ना, बड़े भी हो गए आई थिंक. कभी कभी जब तुमने उस यंग एज में मेहनत शुरू की थी, कभी थकती थी, कहती थी कि यार मैं ही क्यों, मतलब मुझे क्यों. अच्छा नहीं, मैं सब करके थकी हूं. जब सब कर लिया मैंने कहा एक्चुअली आई एम टायर्ड, आई एम समवेयर टायर्ड मेंटली. हां मुझे तो 3-4 दिन साल का ब्रेक भी आ गया ना, मैंने कहा नहीं मैं थोड़ी थक गई हूं. हां एक रोल दो रोल कहीं ना कुछ और, वैसे भी और लेयर है, एज से काम शुरू करता है ना, हां थक जाते 10-15 साल के, 15 साल के बाद तो मतलब एक्चुअली मुझे लगता 3 साल का पूरा कोई गैप ले लो एंड जस्ट कुछ कर लो, कुछ तो कर लो. तो मेरे साथ अचानक वो सारा लॉरेन हो गई, तुम्हें नयापन आ गया. हां अब ये जो नयापन है इसको मैं एक्चुअली आई एम एंजॉयिंग. तुम हमेशा से काम को एंजॉय करती थी, तुम्हें देखा तुम हमेशा से पैशनेट. बट नाउ देयर इज मोर लेयर, प्रोजेक्ट होता था उसके कपड़े, उसकी गेटअप, रीजन है मेहनत करती थी, उसका रीजन है ना. हां कि यहां वैसी टीम नहीं है, रिजल्ट वैसा देना है. तुम जाने से पहले, इंडिया जाने से पहले की बात कर रही हूं मैं, इंडिया से जाने से पहले की बात कर रही हूं. इंडिया जाने की रीजन ये थी कि अच्छा अब मुझे टीम मिल जाए. हां टीम मिल जाए बस, अब मैं बैठ के काम करूंगी. हां फिर अल्लाह ने कहा नहीं नहीं अभी थोड़ी और एफर्ट करें, यही करें अभी और काम. और आई थिंक टीम्स बनाए और करते जाए. आई थिंक नाउ आई एम मेंटली प्रिपेयर, इंशाल्लाह वेरी सून. आई एम ड्रामों में हम तुम्हें देखेंगे. आई एम स्टार्टिंग अप समथिंग, कुछ एक प्रोडक्शन भी ड्रामे करूंगी. करोगी ना, कोई बहुत अच्छा स्क्रिप्ट होगा. पाकिस्तान में अभी ड्रामे की बहुत वैल्यू है, लाइक फिल्म लोग देखना भी चाहते हैं, मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं. हां हमें भी बहुत ड्रामा कब करेंगी, टीवी कर लें, रेलेवेंस लोग कहते हैं अब रेलेवेंट नहीं रही उतनी ज्यादा बिकॉज अब टीवी पे नहीं आ रही. मैं कहा अभी करती हूँ, अभी आई थिंक द मलका एनकाउंटर. हाँ ये लोग देखेंगे अभी वेब पे. सो मे बी क्राफ्ट ऑफ माइन बीइंग एन एक्टर हैज़ बीन चेंज्ड फ्रॉम लास्ट 3-4 ईयर. वो एक मिक्स पर्सनालिटी भी निकलेगी अब इंडिया और पाकिस्तान. तुम्हारे बचपन के बारे में बात करना चाहूंगी. जैसे लाइक होता है ना, तुम पैशनेट थी काम की, हार्ड वर्किंग थी, बहुत सेंसिबल थी कि अपनी अम्मा की फीलिंग्स को तुमने सबसे ज्यादा फील किया एज बच्चा कि मैंने ये करना है, मैं बनूंगी उनका बेटा. मगर उसके अलावा तुम्हारे अंदर क्या क्या उसकी एक और रीजन भी थी या क्या थी उसकी एक और रीजन भी है. बिकॉज माय मॉम, अच्छा क्योंकि मेरे जो नाना अबू है पाकिस्तान में, क्योंकि फैशन है, मेरी नाना अबू की 2-3 शादियां थी. तो मैं एक बड़ी सेंसिटिव बात है, मैं बताती हूँ व्हाई आई पिक्ड अप आल्सो. सो माय मॉम जो मेरी नानी थी, और उनका एक टाइम पे उनका थोड़ा सेपरेशन हो गया था, तो मेरी मामा ने थोड़ा डैड का वो मिसिंग फील किया. अच्छा. तो वो जब मेरा मिसिंग हुआ आया ना, तो आई जस्ट कनेक्ट टू माय मॉम सो बैडली एट दैट टाइम, इवन व्हेन आई वाज 12 ईयर ओल्ड. तो वो क्योंकि मामा का तो सुनी हुई थी बात, वैसे लगा अच्छा मामा के डैड नहीं, वो मेरे डैड नहीं, हाउ यू फील सो अलोन. That was a point when I connected my mom. I am going to make my mom happy. The happiest person on this planet. So, जब तुम 12 साल की थी, तब अब्बू ने दूसरी शादी कर ली. नहीं नहीं, अब्बू डेथ हो गई जब उनकी. उनमें अपने नाना की बात कर रही. अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम नाना की बात कर रही. तो थोड़ा सा उनका, मेरी नानी और नाना का थोड़ा सा सेपरेशन, थोड़ा अच्छा 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 हमारे पास हो जाते हैं ना, नाराज होते हैं. 12 साल की थी तब अब्बू की डेथ हो गई थी. हाँ इतनी छोटी. तुम्हें नहीं पता? नहीं मुझे नहीं पता. दुनिया को पता है, तेरे को नहीं पता? नहीं कसम से मुझे नहीं. अच्छा आई. और बहन भाई और कितने छोटे छोटे थे तुम्हारे? बस सब फिर वो उसी लाइन में लगा लो. नहीं यार ना. अच्छा मैं ये समझ रही थी कि लाइक उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी. नहीं चले गए थे. नहीं नहीं नहीं, ही डाइड. तो दैट वाज अ वेरी बिग लॉस बिकॉज़ आपने उनके साथ टाइम ही नहीं गुजारा. हां उन्होंने आपकी पर्सनालिटी को वैसा शेप अप नहीं किया. हां सिवाय इसके कि कुछ बातें मतलब कई कुछ तो मेमोरीज होंगी तुम्हारे अब्बू के साथ. हाँ बहुत है. ऐसे जैसे मुझे कहते थे कि अगर कोई बात, गॉड आई डू वांट टू टॉक अबाउट इट, बट मैंने कभी तुम्हें इंटरव्यू नहीं किया ना, तो मैं तुम्हारे बारे में प्रॉपर जानना चाहती हूँ. रुलाना बंद कर मेरे को. No, but चलो कुछ अच्छी अच्छी बातें करते. तो क्या हुआ था कि वो मुझे कहते थे कि तुम्हें कुछ बात जो तुम ना कह सको कभी जिंदगी में, तुम एक पेन पे पेपर पे लिख के रख देना, एंड आई विल गो एंड आई विल पिक अप इफ एनीथिंग यू विल नॉट एबल टू से. सो ही वाज दैट काइंड ऑफ अ कंफर्टेबल डैड कि अगर जिंदगी में बेटी हो ना, ऐसा लगे कि कोई बहुत ही ऐसी डिमांड आ जाए तुम्हारी लाइफ में कि तुम्हें लगे मैं कैसे बात करूंगी, तो तुम मुझे लिख के दे देना. तो ऐसे बाप ने सोचे आपके साथ, आपकी ही डिडंट सी यू अ यंग एज और एनीथिंग. सो
देखो अल्लाह ताला की ही वाज अ फेमस पर्सन टू बाय द वे. हां हां हमारे कुवैत में रेस्टोरेंट थे ये सब तो. हां तूने बचपन यानी बहुत अच्छा टाइम देखा है. हां फुल ऑन. हां वो सब हमारे पास पाकिस्तानी सफीर जब आते थे तो वो खाना खाने आ रहे हैं तो रिबन कट रहे हैं तो इंडिया से अति रेखा जी और इनको एक कोई कुछ हो था यहाँ से मैडम नूर जहान और मेहदी हसन साहब को बुलाया तो यू नो वो इस तरह के भी फ्रेंड्स के साथ ग्रुप करते हैं. इज अ वेरी फन लविंग पर्सन. मैं के एल सहगल को मैंने उनके साथ सुना 3-4 साल की उम्र में. सोचो आपके घर में तो दैट क्लासिकल एंड दैट डेप्थ फ्रॉम वर्क आई हैव टेकन फ्रॉम माई डैड. मैं सिर्फ ये कहती हूँ मोना मैं पता हालांकि बहुत तकलीफदेह चीज़ है कि 12 साल की उम्र में जब आपको ख़ास तौर पे लड़कियों को अपने बाप की बहुत शदीद ज़रूरत होती है उस वक्त वो नहीं रहे लेकिन अल्लाह ने तुम्हें वो स्ट्रेंथ दी कि तुम वो एक फायर दी कि तुम आगे बढ़ सको जा सको. कभी कभार नहीं तो हम अपने अब्बा की बेटी हो जाते ना सो हम शायद उतनी मेहनती नहीं होते. हो गई थी थोड़ी कि रोना नहीं है ऐसे होता ना 15 साल नहीं रोया. आई नो और मैं तो गवाह हूँ तुम्हारी मेहनत की तुम्हारे हार्डवर्क की हमेशा हंसती रहती. वो तो मेरा फन पार्ट है. एंजॉय करती हो तुम लाइफ. कैमरे के सामने मुझे लगता है इससे ज्यादा खूबसूरत लाइफ ही नहीं है. हाँ. तो मैं कैमरे के सामने होती हूँ बस वो दैट इज द बेस्टेस्ट टाइम. मुझे पता नहीं क्यों वो इतनी मैं इतनी खुश हो जाती हूँ ना मैं. अच्छा उसकी भी एक रीज़न है. गॉड हैड मेड मी विद फुल ऑफ स्टोरीज. उसकी रीज़न है बिकॉज जब मैं पैदा हुई थी ये बात सुन लेते हैं. जब मैं पैदा हुई थी आई वॉज बॉर्न ऑन सोफा. मतलब हॉस्पिटल भी नहीं जा सकी. नहीं नहीं गए गए हॉस्पिटल मामा. बट जब तक डॉक्टर आते ना तो मुझे दुनिया में आने की इतनी जल्दी थी. मतलब ये बेचैन हड्डी बचपन से ही थी. आई वाज लाइक अरब टाइम में न्यूज़ थी ना कि लाइक 12 पाउंड की बेबी जो है कि वो दे वर कॉल्ड मी सोफा बेबी. अच्छा. हाँ वहाँ पे तो मेरी लाइफ शुरू से ही ना मैंने कहा वो कैमरे के साथ ही शुरुआत हुई और वो बस कैमरा ही लाइफ में. अब आप छोड़े हम इन्हें सारा लॉरेनी सोफा बेबी कहते हैं. हमारे पास सोफा बेबी मौजूद है. आई डोंट माइंड. आई लव दिस. आई लव दिस. छोटे से ब्रेक के बाद इस सोफा बेबी की जिंदगी में और क्या क्या हुआ ये जानते हैं क्योंकि वो एक क्रेविंग है मुझे सारा के बारे में जानने की और आई गेस आपको भी होगी क्योंकि मैंने इसको ज्यादा इंटरव्यूज देते हुए देखा ही नहीं. मौका ही नहीं मिलता. हाथ ही नहीं लगती. आज हाथ लगी तो फुल निचोड़े. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. सारा लोरेन आज हमारे साथ और उनसे मैं कर रही हूँ उनकी और अपनी दिल की बातें. हम बड़े दिनों बाद इस तरह एक साथ मौका मिला है. हम बीच में मिले थोड़ा 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 सलाम दुआ क्या हाल है कैसी हो लेकिन इस तरह तहम्मुल से बैठ के मेरी इनसे कभी गुफ्तगू हो नहीं सकी. और अभी हम मोना कह रही हूँ. देखो जरा मुझे वही आदत है. हाँ तो सारा के बचपन का हम जिक्र कर रहे थे जहाँ सारा ने बताया कि वो बहुत हार्ड वर्क थी. सारा कैसे फील्ड में आई तुम कैसे मौका मिला कैसे चांस मिला किसने ऑफर की. एस सुलेमान साहब. राबिया सुलेमान. राबिया जिंदा रहेगी. तो कहाँ देखा था. ARY से मेरी जिंदगी का करियर की शुरुआत. तो कहाँ देखा था एस सुलेमान साहब को. तुम कहाँ नजर आई थी कहीं ऑडिशन देने आई थी. नहीं नहीं वो नहीं तब मैं नई अभी फील्ड में आई थी तो उनको शायद कोई चाहिए था तो किसी ने ऐसे आते हैं किसी ने पोर्टफोलियो शायद भिजवा दिया था. तुमने कैसे सोचा कि मैं अच्छा अब मैं काम जो करती हूं कि मैं एक्टिंग कर लेती हूं. नहीं नहीं किसी ने मुझे कहा. मैं तो फोटोज ही बना रही थी. तस्वीरें खिंचवा ली. मैंने कहा तस्वीरें ठीक है तस्वीरें खींचो पैसे लो चलो शुरुआत के लिए ठीक है. तो बस सुलेमान साहब ने मुझे उसके लिए राबिया जिंदा रहेगी मेरा पहला प्ले. तो मुझे ये नहीं पता कि कोई इतना बड़ा डेब्यू मुझे मिलने वाला है और कोई एस सुलेमान साहब कोई बहुत बड़े डायरेक्टर हैं. और नहीं पता ही नहीं ना. नहीं पता था. पता ही नहीं था. मुझे एहसास हुआ लेकिन जितना मुझे आज एहसास है ना शायद मुझे उस वक्त बिल्कुल भी आई वॉज जस्ट हाँ आई वॉज इन एयर एंड आई वॉज लाइक अच्छा एक्टिंग करनी है तो बोला हाँ. तो मैं कहा सर मुझे लेकिन एक्टिंग तो नहीं आती. तो बोला अच्छा पैसे करो आप एक पैराग्राफ है आप घर पर जाके दूर बैठ के ना वहाँ पे मिरर में देख के तो आपने बात करनी. अच्छा मुझे समझ नहीं आया कि क्यों कह रहे हैं ना. तो मैं जाके मिरर पे मैंने थोड़ा प्रैक्टिस किया और मैंने उसको बोलना शुरू किया. फिर 2-3 दिन के बाद उन्होंने दोबारा मुझे बुलाया तो एक बहुत बड़ा टेबल तो वहाँ जाके बैठ गए ना और मुझे बिल्कुल इधर बैठा बोला अभी डायलॉग बोलो. सो यू नो द थ्रो ऑफ द वॉइस दैट ही गेव मी द प्रैक्टिस एंड आई डिडंट नो दैट. तुम्हें लगता है कि वो उन्होंने मुझे सिखाया उन्होंने मुझे वो एक ड्रामा था लेकिन वो लगता है मेरी जिंदगी की पूरी ट्रेनिंग थी वो ड्रामा राबिया जिंदा रहेगी. वो एक ड्रामा नहीं था. तुम लकी रही उस ड्रामे के क्लिप्स देखेंगे
That had become actually the story of my life. हाँ. Somehow. When we'll see the clip ना, you'll see ना. भाई ready करो दिखाना पर. ARY का drama था, तब पुराना drama था वो, मतलब ARY के शुरू के drama में से. हाँ हाँ, शुरू के drama कोई 2000. बहुत छोटी सी थी, बिल्कुल. First play ना, वो 2003. तो फिर क्या हुआ जब उसके बाद राबिया जिंदा आया, तो उसके बाद offers. But राबिया जिंदा रहेगी वो करते करते, फिर मैंने साड़ी अमो आपस से सीखी, अमर मकसूद की जो वाइफ है, कैसे साड़ी बनती है, कैसे साड़ी, उन्होंने मुझे साड़ी बांधना, तो मेरी ट्रेनिंग सोचे ना, तलत हुसैन साहब, एस सुलेमान, अम्मू आपा, मैं छोटी सी बच्ची में बैठी हूँ मुझे सब, और मुझे लगता था मुझसे कोई गलती ना हो जाए ना, मुझसे कुछ ऐसा ना हो जाए. सीखने में अच्छी थी तुम. हाँ हाँ, लेकिन ऐसा होता है ना, आप रिस्पेक्ट में कहते हैं कि कोई चीज़ अब मुझे सिखा रहे हैं, तो आई वाज ट्राइंग टू पुट मोर एफर्ट रादर देन कि ना मैं उसको 70% लेती, मैं 200% अपना माइंड उस तरफ डालती थी. सो देखो आज भी बैठी हूँ, सारा काम कर लिया, लेकिन राबिया जिंदा रहेगी मुझे ना कभी भूला है ना कभी भूलेगा. कैसे चूज करती थी प्रोजेक्ट्स वगैरह, क्या सोच के चूज करती थी, किसी से मशवरा लेती थी घर में, बहन भाइयों में से किसी की, या स्क्रिप्ट पढ़ लो, या खुद अपने में ही तुम मगन थी? अच्छा, राबिया जिंदा रहेगी के बाद पहला ऑटोग्राफ मेरे से एक 4 साल के बच्चे ने लिया था. अच्छा, तो मैंने कहा अच्छा ये बच्चे को मैं बड़ी पसंद देन आई गॉट टू नो कि अच्छा आप फेमस हो रहे हैं, ये लोग आपको जानते हैं. तो ध्यान इस पे नहीं रहा कभी भी कि फेमस हो रही हूँ लोग जानते हैं, ध्यान इस पे रहा कि अच्छा अभी इसके बाद क्या करूँगी, वो इससे बेटर हो, फिर उसके बाद क्या करूँ उससे बेटर हो, बस वो थॉट था. वो थॉट था हमेशा चूज करते हुए. कभी कोई क्रेजी फैन मिला कि मुझसे शादी कर लो, खून के खत और ये बोले जिस तरह होते हैं, मुझे देख के लोग थोड़ा, मैं थोड़ा सा, मेरा एक है डरते हैं तुमसे, थोड़ा सा एक हल्का सा डिस्टेंस मुझे नहीं पसंद. हाँ. एकदम जंप करके आपके ऊपर आ जाए, नहीं कोई खात, कोई फोन, कोई रॉन्ग कॉल, कोई ऐसी. हाँ, मैं नंबर पीछे पड़ गया जब मैंने, अच्छा ये मैं बता दूं तुम्हें, बता दो और क्या, सब कुछ बता दो. जब मैं शहजादी प्ले कर रही थी ना. अच्छा, ये मेरे जाने जाने के डेज थे, आई थिंक 2011-12 में, तब किसी ने मुझे बहुत परेशान किया, मतलब इतना कि मैं डर गई थी. मतलब आप अभी ARY बैठी हैं, अच्छा अभी आप ये कर रही हैं, अच्छा अभी आप चैनल में जा रही हैं, आई वाज, तो ऐसा लगता है कोई आपको स्टॉक करने लग गया है. तो मैं थोड़ी देर के लिए डर गई, मैं कहीं कौन है भाई तुम, पागल हो. जब तो इंस्टाग्राम भी नहीं था, तब तो कोई सोशल मीडिया भी नहीं था, तो मुझे ऐसे लगता था मैं यहाँ से जाऊँगी रस्ते में, और थोड़े से हालात भी हमारे सिक्योरिटी के मसले होते हैं, आपके साथ कुछ हो जाए अल्लाह ना करे, तो यहाँ तो बाद में लोग पूछेंगे ना, कोई आएगा जब आएगा, तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय सेल्फ. मतलब लाइक तो तुम कहा उसको पता होता था. हाँ, तो ही वॉज टॉकिंग मी एट दैट मोमेंट. तो वो मैंने थोड़ा सा, फिर मैं थोड़ा दुबई भी, इधर भी, जब मैं चीज़ें चल रही थी तो ऑटोमेटिकली जो लोग फॉलो कर रहे होंगे उन्हें कहीं छोड़ दिया होगा. बट वो दैट वॉज अ स्केरी वन. हाँ, दैट वॉज अ स्केरी. कब देखेंगे तुम्हारे हाथों की मेहंदी हम, और छोटी 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 सी मोनालिसा हम कब देखेंगे? छोटी छोटी एक मोनालिसा, एक सारा लॉरेन, अपने आप में फंस गई हूँ. कोई मुझे कह रहा था ना बोर नहीं होती, मैंने कहा नहीं नहीं, सारा लॉरेन इज नॉट नॉट लेटिंग मी गेट बोर इन माय लाइफ एनीमोर, शी इज मोस्ट एंटरटेनिंग पर्सन आई गॉट, सीरियसली. सो बताओ क्या मतलब कब खुशखबरी सुनेंगे? या तो शादी, मुझे शौक नहीं, बच्चों को शौक, शौक नहीं है मुझे शादी का, बहुत सीरियस टॉपिक है मेरे लिए शादी. आसान नहीं है जिससे मैं करूंगी, वो बड़ा खास होना चाहिए. हाँ. सलमान खान की तरह अटक गया ना मेरा मसलक, किससे करूंगी मैं शादी? सलमान खान या सारा लॉरेन, बस अब कौन होगा ये. हाँ. ये सीरियस बात है. और नहीं होता है ना कि कुछ होता है, एक अट्रैक्शन ही होती है शादी की, खासतौर पे जब आपने सब कुछ अचीव कर लिया है जिंदगी में, कि यार वो जो बच्चे हैं ना, वो माँ वाला एलिमेंट है ना, वो एक आपको अट्रैक्ट करता है कि अच्छा चलो अब मैं कर लिया. अच्छा ये तो मैं जानती हूँ कि जब भी कभी ऐसा हुआ, आई विल बी द बेस्टेस्ट मदर, आई नो दिस बिकॉज इफ आई एम सच अ गुड सिस्टर, आई एम सो, आई हैव दैट थिंग इन मी कि मैं अपनी मामा को भी अगर नाइट वेयर उन्होंने प्रॉपर नहीं पहना तो उनके पीछे पड़े, क्यों नहीं आपने पहना? हाँ, कि अपने घर में ब्रांड चल रहे हैं ये, व्हाई यू आर वेयरिंग दिस कलर, एंड आई हैव दिस इशू ना, माय मॉम इज लाइक विल यू लीव मी अलोन फॉर सेकंड. घर में तो मुझे सुकून से सुकून से नहीं, मैं जब जाती हूँ लाहौर उनसे मिलने, तो मामा को जब पता चलता मैं आने वाली हूँ, तो मामा ने जब कोई मोमेंट आता है बहुत, कभी उदास होती हूँ ऐसे, मामा के पास जाके लेट जाऊंगी, उन्हें हग करूंगी, मामा के पैरों को मसाज करती हूँ. और वो तुम्हें कैसे एक्सप्रेस करती हैं अपना प्यार? वो है थोड़ी गले लगाने वाली या रोना पिया करने वाली? रोना शुरू, बस सारा को देखा और रोना शुरू, बहुत कम मिलती है.
अच्छा सारा को मेरे साथ खुश कैसे कर सकता है? मेरे साथ टाइम स्पेंड करना उन्हें पसंद है बहुत। सारा को कोई खुश कैसे कर सकता है? क्या करे इसके लिए पूछ रही हूँ, उसके लिए कोई भी ऐसा हो जिससे सारा का मूड ऑफ है, उसको खुश करने का फॉर्मूला क्या है? अच्छा सा म्यूजिक प्ले कर दो बस। हाँ, कोई तोहफा, कोई कोई अच्छी सी बात। देखो वो तो सबको अच्छा लगता है ना, आपको कोई सरप्राइज कर दे वो डेफिनेटली फील गुड। किसी को कोई भी सरप्राइज करे वो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि कोई तोहफे दे। ज्यादातर मैं नहीं दिए ज्यादा तोहफे, बट अच्छा लगता है। मतलब मुझे वो फ्लावर, मुझे फूल ज्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ, मुझे फूल फ्लावर गजरे दे दे। लेकिन मुझे फ्लावर सिर्फ फ्लावर की तरह नहीं अच्छे लगते, ये भी बता दूं। मतलब फ्लावर भेजते हुए आपकी एफर्ट मुझे दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं अच्छा बुके भेज दिया, आई विल चेक कितना टाइम लगा है इसने, कितना थॉट प्रोसेस है। हाँ, वो बस वहां से पता चलता है, वहां से पता चलता है। ओए ओए ओए, कोई सीरियस बात, कोई फ्यूचर प्लान्स हैं सारा के? क्या करना है जिंदगी में? फ्यूचर प्लान्स होता है ना, प्रोडक्शन कहाँ नहीं सोचती होगा, कोई नहीं सोचोगी कि मैं अपना एक घर बनाऊंगी पहाड़ की चोटी पे, मेरा घर होगा। हाँ, अभी 3-4 साल में मैं ऐसा सोच रही हूँ। वैसे तो मैं अभी ऐसा कुछ बना लूंगी 2-3 साल में। अच्छा देखो, मतलब मैं अभी तो अपने मामा का घर, उनकी चीजें कर रही हूँ। अभी मैं तो तुम्हारी मैंने यहाँ तो पूछ ली, पता नहीं मैं एक जगह नहीं रह सकती हूँ ना, तो मुझे तुम्हारे पैरों में पहिए हैं, मुझे पता है। मुझे लगता है मैं थोड़ा ट्रैवल करती रहूँ। वैसे मैं कराची में रहती हूँ, लाइक माशाल्लाह आई लव कराची। अच्छा तुम इंडिया का एक्सेस कैसे तुम्हें मिला था, मतलब किस तरह तुम वहाँ पहुंची, कैसे अप्रोच किया? मेरे डैड बॉर्न इंडियन। अच्छा, तो वो मुझे कभी नहीं फील हुआ कि अच्छा इंडिया कोई दूसरी कंट्री है। अच्छा, तो आना जाना लगा रहता था, बल्कि इंडियंस को भी लगता था हमारी ददियाल है तुम्हारा उधर। नहीं, अब तो जाहिर है कुछ शायद कोई रहते होंगे कुछ लोग। हाँ, कुछ शिफ्ट हो गए कुछ। नहीं, तुम्हारा तुम गई कैसे थी वहाँ? ऐसे ही गई थी देखने के लिए, मिलने के लिए, ऑडिशंस दिए थे क्या? कैसे तुम यहाँ से कैसे गई? अच्छा, कजरारे के लिए शेख साहब, जावेद शेख साहब। अच्छा, उन्होंने कुछ लड़कियों की तस्वीरें दी थी, तो मेरी तस्वीर पूजा भट्ट को पसंद आ गई। अच्छा, शी कॉल्ड मी फॉर। पहले तुम कजरारे के लिए गई हो? हाँ, वहाँ मर्डर तुम्हें फिर ऑफर हुई। हाँ, पहले कजरारे फिर रिलीज नहीं हुई थी। कजरारे पूजा भट्ट की थी। हाँ, दैट वाज अ और मर्डर थ्री टी सीरीज फिल्म। अच्छा, ये भट्ट की फिल्म थी। हाँ, वो टी सीरीज की फिल्म थी, ये भट्ट की फिल्म। ओह, उसे पूजा भट्ट ने डायरेक्ट किया था, इसको विशेष भट्ट ने। और जावेद शेख के थ्रू उन्होंने यहाँ से तुम्हारी और किस किस की और तस्वीरें लेके गए थे? यार सब मुझे क्या पता, लेकिन ये था कि 2-3 लड़कियों की तस्वीरें थी बस। पूजा जस्ट सॉ मी एंड शी सेड कि आई लाइक सम मिस्टीरियसनेस इन योर आई। हाँ, तुम्हारी आंखों में एक मिस्ट्री है, बस मुझे वो पसंद आ गई। हाँ, बस आई थिंक वो कजरारे था भी अबाउट गर्ल और फिर आंखें उसकी। तो वो फिर आंखें बनाने का, क्योंकि मैं कुवैत में रही हूँ तो अरब का मुझे मेकअप आता है, वो थोड़ा ऑब्वियसली आई हूँ, तो वो मेकअप आर्टिस्ट के साथ मैं हेल्प करती थी पूरा। हाँ, आंखें को थोड़ा और ना बड़ा। हाँ, काजल भर के और स्पेशली। हाँ, जब ऐसे करके आंखें खुलते हो। हाँ, तो उसको पहले प्रॉपर मिरर में। कॉम्पिटिशन है इंडिया में तो, लाइक पाकिस्तान से बहुत ज्यादा, हमारे लिए और भी ज्यादा होता है बिकॉज आप आउटसाइडर है, आपको और भी ज्यादा। वो वहाँ पे भी ऐसा ही है, लाइक पुलिंग और वो लॉबी सिस्टम, वहाँ पे भी यही चीज है। अच्छा, एक और चीज है, क्योंकि जब आपके पास चीजें कम होती हैं। हाँ, अब मेरे पास 10 प्रोजेक्ट है ना, तो मैं 10 लड़कियों को दे दूंगी। जब मेरे पास प्रोजेक्ट ही 4 है और लड़कियां 10 है। हाँ, तो प्रॉब्लम आ जाता है। ओह, अंडरस्टूड। हाँ, हाँ, कि ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं और प्रोजेक्ट्स कम है। हाँ, तो वहाँ पे कोई ना कोई सफर करेगा। जैसे हमारे यहाँ फिल्म्स बन रही है, साउथ में फिल्म बन रही है, तो कोई यहाँ नहीं कर रहा, तो साउथ कर रहा है, कोई ये कर रहा है। पर हमारे यहाँ तुम देखो, यू हैव अ लॉट, यू हैव अ लॉट, द एक्टर्स आर वेरी वेरी बिजी होते हैं। हमारे हर लड़की टीवी पे नहीं आती, वहाँ तो जो कॉलेज से निकली उसने टीवी। अच्छा, आज आना चाहते हैं वैसे, मैंने देखा। हा? आज लोग पीपल आर चेंज, आई बिलीव कि आज सबको टीवी करना है। लेकिन जब हमने टीवी शुरू किया था तब नहीं आते थे, तब हाँ, लेकिन जैसे टिकटॉक है और इस तरह की चीजें तो आप देखते हो अब काफी। एवरीबॉडी वांट्स टू डू टिकटॉक पे, एक्चुअली घर वालों को पता भी नहीं चलता, अम्मी अब्बू को पता भी नहीं होता मेरी बेटी टिकटॉक पे। क्या बात कर रहे, कसम सीरियसली। और क्या, कमरे में बना लिया, दोस्त के पास पढ़ने जा रही हूँ कंबाइंड स्टडीज, तो बहुत सारे फादर्स को तो पता भी नहीं होता कि मेरी बेटी टिकटॉक पर है। अच्छा। वो वाली एक चीज छुपी हुई होती है ना, जब तक अब्बू टिकटॉक देखना शुरू ना करे तब तक। नहीं, लेकिन इतना सॉफ्ट इमेज है, इतना अपने ड्रामास और ये। हाँ, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हाँ, लोगों के घर चलते हैं इसके ऊपर। अच्छा, तुम अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखती रही हो हमेशा से? मैंने तुम्हें देखा फ्लॉलेस स्किन, इतनी चमकती दमकती, बिल्कुल सॉफ्ट सा मेकअप तुम करती हो, स्किन का ख्याल कैसे रखा है? ये जीन्स में है, दिखाओ स्किन। स्किन का ख्याल, सोल, so you need to clean your soul, मतलब दिल साफ होना चाहिए, बहुत जरूरी है। कोई हसद, कोई जलन, कोई कुड़न, जलन तो हो ही नहीं सकती चाहे कुछ कर ले। हाँ, अगर आपने जलना तो वो फिर स्किन पे दिखेगा, तो कुछ हो जाए ना दुनिया में, ऐसे हो जाए ना, किसी से जलना इसलिए नहीं, इसलिए अच्छा नेचुरल है, जेलसी नेचुरल है। हाँ, किसी और को कुछ करते देखते आपको फौरन लगता है अच्छा ये क्यों कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा, इट्स अ ह्यूमन नेचर।
बट उसका ट्रैक अलग है, आपका ट्रैक अलग है. यू नीड टू आई मीन चेज योर गोल्स. इट कुड बी लिटिल लॉन्गर, इट कुड बी लिटिल डिफिकल्ट. अपनी स्किन के ऊपर टोटके करती हो कुछ, या कोई तुमने कोई प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो तुम्हारे लिए होता है हर वक्त चेंज होती रहती है कि ये मुझे ये लेना है ये लेना है? अपने हर्बल यूज करती हूँ, लेकिन कुछ हैं ऐसी चीजें जो मैं अपनी लाइफ में ऐड रखती हूँ. जैसे आजकल क्या है रिसेंट, कौन सी ब्रांड है जिससे तुम मेकअप उतारती हो या अपना स्किन को? हाँ, यू वांट टू सी? बता दो स्किन की प्रोडक्ट्स जो होती है ना. तो ये देखो, ये एक नई चीज मैंने ऐड की. ये मैं भी यूज करती रही हूँ, है ना. इससे स्क्रब होता है ना. हाँ. सो आई थिंक ये मुझे बहुत पसंद आया, ये मैंने अभी नोट किया. इट्स वेरी इफेक्टिव. ये एक जेल टाइप है, इसका पूरा एक लेयर निकल जाता है. हाँ, ये बड़ी अच्छी चीज है. दिस इज समथिंग आई एक्चुअली आई एडेड, और इसने बहुत हेल्प किया मेरा अभी स्किन थोड़ा सा भी रिमूव हो गया, थोड़ा सा मेरा स्किन जो है ना टैन हो गया था. अच्छा, तो ये विटामिन सी का है, बॉडी शॉप का बड़ा अच्छा, मैंने भी यूज किया है. तो मैं भी रीसेंट तुमने मतलब मैं चीजें चेंज करती रहती हूं हर्बल. मैंने कहा ना ज्यादा आई प्रेफर हर्बल. इससे मेकअप उतार रही होती हो या मेकअप उतारने के बाद एक लेयर जो देती हो तुम इससे? तो मैं तो सब बता दो, मेकअप उतार दिया और उसके बाद कभी ये यूज कर लिया, फिर देन आफ्टर दैट मे बी You can use this. नहीं, ये भी बड़ा अच्छा है. Oil of life. हाँ. So ये. Body shop fan है आप? I think they are very smart. They know the skin and they're. तो वो थोड़ा मुझे बस पसंद आती है ऐसी चीजें. और टोटका क्या करती हो अगर कुछ होता है? मास्क करना, क्योंकि मुझे पता है तुम हमेशा से. अरे टोटके क्यों बताऊं मैं तुमको? बॉडी की स्किन नहीं, वो मेरा सीक्रेट है. बॉडी की स्किन भी बड़ी प्यारी. मेरा सीक्रेट है वो, मैं नहीं बताऊंगी. क्यों? ये तो गलत बात. मैं नहीं चाहती मेरे जैसा कोई और लगे. मैं तुम उपटन फैन हो कि नहीं हो? अच्छा, बहुत नहीं. हाँ. लेकिन मुझे पसंद है. पसंद महीने है. में कर लो एक बार. हाँ. मंथली उपटन, वैसे मंथली ही शायद करें तो ठीक. हाँ. लगता है ये दो महीने में, वरना नहीं इफेक्ट नहीं करता. हाँ. उपटन वो हो गया थोड़ा, वो जैसे ओरिजिनल दैट मलाई थिंग एंड यू नो. सो दिस थिंग. मलाई भी लगाती हो? We do sometime, but the not regular. क्या करती हो? बाल तो हमेशा से अच्छे रहे माशाल्लाह. सेवन ऑयल मिक्स करके. साथ वही पहले थे वही चल रहे हैं, चेंज किया अभी? देखो सेवन ऑयल मिक्स करके. कौन कौन से ऑयल होते हैं? जैसे आई थिंक वो होते ना, कौन कौन से? द सेवन ऑयल्स आई थिंक. हां, अजवाइन, तेल, जैतून. नहीं, अजवाइन. हां, अजवाइन होता है. हां, अजवाइन होता है. और सरसों और धनिया ऑलिव. नहीं, वो सॉरी, रीठा आमला. रीठा होता है ना? हां. तो उसका नहीं, उनमें से एक रीठा या आमला. हां, रीठा या आमला में से कोई एक है जिसका देयर इज समबडी वो मुझे ऐसा साथ ऑयल बना के भेजते. सो क्या अभी तो मुझे SMS करना, मैं बाद में टू बी कंटिन्यू किसी और शो में बताऊंगी. मैं आपको सारा लोरेन के बालों का I'll send you that bottle. हाँ. So that is very very good. वो मैं फिर उसके ड्रॉप के साथ. तू कितनी दफा ऑयलिंग करती हो उसको? वो पता नहीं, अभी मैंने उसको ऐड किया, उससे बहुत फर्क पड़ा. वो शायद वो पकाती भी है कुछ चीजों को ना वो करके. तो शी इज वेरी गुड. दैट्स हर्बल. कितनी दफा ऑयलिंग करती हो? लाइक हफ्ते में वंस. एक दफा करती हो? हाँ. और शैम्पू कौन सा यूज करती हो? शैम्पू आई जस्ट कीप चेंजिंग. अच्छा. आजकल एक चीज, नई चीज ये मैंने कुछ, इट्स अ न्यू शैम्पू. इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डिफरेंट शैम्पू आई हैड. ये कहां पाकिस्तान में मिल जाता है? अब ये ढूंढ लो कहां मिलेगा. ये क्या नाम, क्या दिखाओ. सो दिस इज समथिंग आई एम यूजिंग नाउडेज. इसका नाम है एनी वेजन वुमेन एनी वेजन शैम्पू फोर्टिफाइंग पैंथोल. ये मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में मिलेगा. सो दिस इज समथिंग आई एम यूजिंग. इट्स बहुत अच्छा है. हां, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. तो तुम्हें किसी ने रेकमेंड किया कि तुमने खुद ही यूज करके देखा? नो, आई जस्ट कीप ट्राइंग. मैंने कहा अलग-अलग ब्रांड्स. सो ये भी मुझे कौन सा सबसे अच्छी जगह रहती लगती है तुम्हें रहने के लिए? तुम इंडिया में भी रही हो, कुवैत में रही हो, दुबई में रही हो, पाकिस्तान में रही हो, फिर और भी किसी और जगह रही हो इन जगहों के अलावा? कितनी अच्छा क्वेश्चन किया आपने निदा. इतनी जगह रही हूँ, सुकून मिला जब मैं कराची आई हूँ. आराम से मैंने दरवाजे के लिए बंद रखा. मैंने थोड़ी देर के लिए ना, मैं दुनिया में कहीं भी नहीं जाना चाहती. आई जस्ट वॉन्ट टू ब्रीद. कराची अच्छा लगता है मुझे. पाकिस्तान अब दुनिया में सबसे अच्छा लगता है. और ये चीज मैंने अब रियलाइज की है. मैं भागती जब सब जगह से घूम ली, फिर लगा आपका होम टाउन है समथिंग एल्स. हाँ. वो कुछ अलग है, वो एक सुकून है. ऐसा लगता है अमेरिका चली जाऊंगी, चलो वहाँ पे फिल्म कर रही हूँ. मैं इंडिया चली जाऊँ, मैं हूँ ऐसी ना. हाँ. ईरान जाके फिल्में कर लूंगी. बंगलवान जाके ईरानी सीख के फिल्म. वैसे उनके डायलॉग्स कम होते हैं. लगता है ना कि लाइफ में लेट्स एक्सप्लोर. मैं अभी इमेजिन कर रही हूँ कि ईरान जाए ये उस सिनेमा में भी फिट इन हो सकती है. तुम्हारी शक्ल जो है ना, वो हर जगह
इंटरनेशनल चल जाएगी, जहाँ अमेरिका जाओगी हॉलीवुड में चल जाएगी, बॉलीवुड में कमाल है, अल्लाह का कमाल, कुछ अल्लाह का कमाल, माशाल्लाह। छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं जी, सारा लोरेन की प्यारी प्यारी क्यूट सी बातें आपके सामने होंगी। अब हम सारा का रूटीन पूछने वाले, नेक्स्ट सेगमेंट में हम सारा का रूटीन पूछेंगे कि कितनी मेहनत करती हैं अपने ऊपर, अपनी खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सारा लोरेन आज मेरे साथ, और मैं भी वही फोटो शूट देख रही थी ऊपर यहाँ स्क्रीन पर, कि ये तो हर तस्वीर में कुछ अलग ही शक्ल लगती है, कोई और, ये क्या चीज है भाई, ये क्या। अच्छा, ये मुझे एक टैगलाइन दी थी पूजा भट्ट ने, उसने मुझे कहा था सारा, सब मोनालिसा बोलते थे, लाइक शी हैज 100 फेसेस। हां, सो दैट वाज, आई हैव लाइक दो तीन लाइंस मुझे बड़े मजे के मिले हैं, तो वो फिर मैंने भी उसको जरा सा रिसर्च किया, तो इट्स लाइक माय फेस जस्ट कीप चेंजिंग विद द लुक्स। आप जैसी शक्ल बनाने की कोशिश करें वो आराम से बन जाता है। अच्छा, सारा कभी मोटी होती है या डाइट कर रही होती है, जिप लगानी पड़ती है मुंह पे कुछ खाने पीने की? मोटी होती हूँ, यहाँ से थोड़ा सा वेट आ जाता है जो, अच्छा, एकदम से नेक पे ना, हाँ, तो फिर थोड़ा सा खाना छोड़ देती हूँ। लेकिन क्या खाती हो तुम शौक से? जैसे मैं राइस छोड़ दूंगी, हाँ, जब मैंने लूज करना होता है, और जब मैंने गेन करना होता है तो मैं राइस खाना शुरू कर देती हूँ। हाँ, तो शौकीन है तुम, चावल की शौकीन हो। और क्या चीज है जो तुम रेजिस्ट नहीं कर सकती, मतलब बर्दाश्त नहीं, उसको खत्म करना जिंदगी से, उसको काट के? अभी मेरी रूटीन ठीक होगी खानों की, हाँ, मतलब मैं सैलेड है, जूसेस हैं, इस तरह की चीजें, तो हमेशा से खाने का ख्याल रखती हूं। नहीं, अब मैं उस तरह की चीजें खाती हूँ, लेकिन जैसे सेट पे हूँ तो कट क्या करूं, या बर्दाश्त ना हो, मे बी सुशी, सुशी समथिंग, ओए ओए सुशी खाओगी, सुशी से बर्दाश्त नहीं होता, हाँ, मैंने खत्म करना है उसको, मैंने कहा ना, हाँ, समथिंग, यस, दैट्स सुशी, आई हैव टू फिनिश दैट, वो मुझे क्रेविंग है सुशी की। अच्छा, ओए ओए ओए, हेल्दी खाने खाने के शौकीन हो तुम, ज्यादा मीठा या ये इस तरह की? ईद पे, ईद पे और उस पे खाती हूं, और फ्रिजी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, वो नहीं, वो नहीं मुझे, वो नहीं पसंद मुझे, बर्गर्स भी इतने ज्यादा पसंद, आइसक्रीम और ये, मुझे थोड़ा प्रॉपर खाना पसंद है, लाइक आई लाइक टू, दाल चावल वाली बंदी हो? नहीं नहीं, प्रॉपर इसलिए लाइक सैलेड और यू नो दो तीन चीजें, पूरी लवाजमात के साथ, तीन चार लवाजमात, प्रॉपर थोड़ा टेम्पटिंग। और तुम्हारा कुछ टाइम टेबल जान दे, नहीं बचपन में होता था वो कि एक स्लैम बुक होती थी, उस पर पूरा लिखते थे कि मैं सुबह ये करती हूँ, मैं रात में ये करती हूँ, दोपहर में ये करती हूँ, शाम में, अब जाहिर है जैसे जैसे आपकी यहाँ तुम्हें आना है, वो तुम्हारी कहाँ आना है, मैंने इधर आ जाओ, चलो हम इसी तरह यहाँ शुरू करते हैं ना ये। अब जैसे सारा कितने बजे सो के उठती है, तो मैं घड़ी का टाइम बताऊंगी, अच्छा, कि अर्ली राइजर हो, कितने बजे सो के उठती है? 8:30? हाँ, 7:30, 8:30, 7:30 या 8:30, यानी अर्ली राइजर हो। उठ जाती हूँ फिर बेड से उठते उठते, लेकिन बट आई डू मॉर्निंग योगा, मॉर्निंग योगा करती हूँ सुबह 8:30 उठ के, सबसे पहले तुम मॉर्निंग योगा? मैं अपना डे स्टार्ट करने से पहले कोशिश करती हूँ मॉर्निंग योगा करूँ यूजुअली। अच्छा, आज भी करके आई, आउटडोर में जाके करती हूँ, कमरे में ही बैठे बैठे? नहीं, अपने रूम में लैपटॉप लगा के, हाँ, आई हैव अ सेपरेट रूम। कितनी कितने टाइम के लिए करती हो, कितना टाइम लगता है? 30 मिनट्स। और ये कब से तुम्हारी आदत बनी है मॉर्निंग योगा की? ये अभी कुछ एक साल से। क्या फर्क पड़ा तुम्हारी जिंदगी में ये करने से, तुम्हारे अंदर क्या चेंज आया? कामनेस थोड़ी सी, पेशेंस नहीं है ना, मुझे सब बोलते चैन नहीं, हाँ, यहाँ से वहाँ, हाँ, बेचैन हड्डी कहते थे, हाँ, ना तुम्हें, हाँ, अभी भी कहते हैं, एक्टिव हो तो कामनेस आई, तो आई थिंक वो कामनेस आती है। फिर 8:30 बजे के बाद क्या करती हो? योगा करने के बाद? योगा करने के बाद 9:00 हो गए, हाँ, 9:00 हो गए, तो अब आपका नाश्ता क्या होगा, क्या खाएंगे आप नाश्ते में? अच्छा, नाश्ता मैं करती हूँ 10:30, इसके बीच में मैं कुछ टीवी पे कुछ देखूंगी। अच्छा, नौ मतलब मेरा शो ही आता है, और तो क्या आता है, नहीं, मैं कुछ ना कुछ देखूंगी, कुछ और देख लेती हूँ, कुछ कुछ ना कुछ, आई विल चेक। अच्छा, तो तुम 10:30 बजे नाश्ता करती हो? ऑलमोस्ट 10:30। क्या होता है नाश्ते में? ऑरेंज जूस और ब्रेड एंड एग, सिंपल। बॉइल्ड एग या फ्राइड? फ्राइड एग। फ्राइड एग माय फेवरेट वन, फुल फुल ये वाला, अच्छा वाला, और वो भी बटर में, वो भी मेरा एक स्पेशल बटर है, मैं नॉर्मल बटर में अंडा नहीं फ्राई खाती। अच्छा, खा ही नहीं सकती। 10:30 बजे के बाद फिर क्या करती है नाश्ता करने के बाद? 11 बजे नाश्ता हो गया, फिर कुछ, हाँ, काम वाली जैसे आ जाएगी, एंड शील काम, एंड शील क्लीन द हाउस एंड एवरीथिंग। तो मैं कहती हूँ सोफे के नीचे से वो जो देखो, तुमने झाड़ू सही से निकाला नहीं, वो वाली औरत हो तुम अंदर से? आई एम अ क्लीनिक फ्रीक, मैं डस्टिंग वगैरह अपनी सारी सब सामने देखूंगी, और ये चीजें, तो मुझे डस्ट से प्रॉब्लम है थोड़ा। यानी कि जब मासी आती तो तुम सो नहीं जाती, बल्कि उसके सर पे थोड़ी सवार रहती हो? आई जस्ट कीप चेकिंग व्हाट शी इज डूइंग, आई जस्ट कीप मूविंग, आई जस्ट कीप डूइंग लिटिल बिट डस्टिंग, आई विल डू थिंग्स, यस।
तो ये 11 बजे तुम्हारा ये टाइम, कितनी बजे तक घर की सफाई हो जाती है? 12:30 तो मैंने कभी नहीं बताया किसी को। 12:30-1 बजे तक तकरीबन घर की सफाई हो गई। अब क्या है, अब दोपहर के खाने में क्या बनेगा? बनेगा कुछ नहीं, मैं कहीं से मंगवाऊंगी। दोपहर का खाना घर में नहीं बनेगा भाई, ये तो मुझे बाहर से चाहिए। कुछ और किस टाइप की कुजीन तुम ज्यादा प्रेफर करती हो मंगाना, होम डिलीवरी? दोपहर को कभी सैंडविचेस, अच्छा सैलेड, सैंडविचेस और सम कटलर, अच्छा लाइट सा, लाइट बहुत लाइट सा कुछ मंगाती हूं। हैवी खाना नहीं खाती हूं बहुत ज्यादा, बस मामा के हाथ का खाती हूं, वरना नहीं। बस मामा के हाथ से पुलाव एंड एवरीथिंग। अब दोपहर का खाना खाने के बाद फिर क्या रूटीन है, क्या करती है सारा? अच्छा, और अब मैं क्या करती हूं, मैं फोन पे फिर थोड़ा लैपटॉप देखूंगी, कुछ एक लड़की आ जाती है, शी इज माय लाइक मैनेजिंग माय वर्क, तो उसके साथ देखूंगी क्या करना है, मेल करना है, किसी को फोन करना है, कुछ चीजें, कुछ सोशल मीडिया। मतलब वो ऑफिस टाइम भी तुम घर में? हाँ, वो टाइम घर में होती है तो लैपटॉप पे और ये सारी रिसर्च के ये करना है, वो सारी चीजें होती है 3-4 बजे तक 5 बजे तक वो सारा काम होता है। और फिर उसके बाद वो चली जाती है लड़की। तुम्हारे बैंक के काम, बिजली का बिल फलाना, प्लंबर, मंथली बट डेली नहीं, ये कौन करता है, कौन करवाता है? I have a person, I have a driver, and अच्छा, he manages everything. वो सारी चीजें देख लेता है ना? He looks good. And because I live in a right place, तो इतना problem नहीं होता. Like I live in Amma, so वहाँ पे इस तरह काफी सारी चीजें comfortable भी हैं रहने के लिहाज से. अच्छा, है ना? बिजली के इतने issues नहीं है, चीजें नहीं है, so life is comfortable. So वो बोले. फिर उसके बाद कहीं निकलना है, कहीं जाना आना है, सलोन घर में ही अभी भी है, सलोन जाने के लिए तुम निकलती हो? नहीं, सलोन आई गो टू सलोन, अलग 2-3 रखे हैं, कहीं पे नेल्स करवाने जाना है, कहीं फेशियल करवाना है या कुछ इस तरह से, और ड्राइव करती हूँ। मजे का रूटीन है ये तो, मतलब कभी सलोन चली गई मैं, कभी कभी हाँ कभी शॉपिंग करने निकल गई कुछ। शॉपिंग में क्या, शॉपोहॉलिक हो, ज्यादा शॉपिंग करती हो या कंजूस हो इस मामले में? अच्छा, मैं बिल्कुल भी कंजूस नहीं हूँ, मैं बहुत शॉपिंग कर सकती हूँ, मतलब मैं ये भी। जो बैंक में पैसे पड़े हैं सब तुम शॉपिंग पे उड़ा सकती हूँ? मैं उड़ा सकती हूँ। एक सेकंड, क्या खरीदती हो? काफी चीजें, कपड़े, जूते, मतलब एक रूटीन की जो हमें जरूरत होती है, लाइक मेकअप और परफ्यूम्स एंड ऑल दैट। जैसे कभी डिप्रेशन होता है, जैसे कुछ लड़कियां जो है वो डिप्रेशन दूर करती है शॉपिंग करके, मोना अपना डिप्रेशन किस तरह दूर करती है? मोना नहीं, सारा, सॉरी भाई, नहीं दैट्स ओके। डिप्रेशन दूर करती हूं मैं, कोई क्रिएटिव काम मुझे पसंद है, मैं सिंपल शॉपिंग से मेरा डिप्रेशन कोई इतना दूर नहीं होता। दैट्स लाइक अ कुड बी फन डे, आउटिंग हो सकता। क्या फन डे है तुम्हारे लिए, सारे के लिए फन डे क्या है? ये मतलब शॉपिंग करना है मेरा फन डे। मैं जाऊंगी, पूरा पूरा दिन स्पेंड कर लूंगी, और अभी यहाँ जरा कम जाती हूँ, जैसे मॉल्स में जाऊँगी, दुबई में, हाँ दुबई में, इधर लंदन में, कहीं पे भी जाती हूँ, आई कैन स्पेंड माई होल डे, आई कैन गो, आई कैन वॉक, आई आई हैव माई फूड वहीं पे, चलते चलते आई माइट चेंज माई आउटफिट, मुझे लगता है ज़्यादा चाहिए, आई चेंज माई आउटफिट, आई जस्ट रोम अराउंड एंड आई डू माई थिंग्स and I don't feel alone. सारा की दोस्तें होती हैं ज़्यादा, दोस्तों के साथ hang out करती हो या तुम ज़्यादातर अकेले रहना पसंद? Shopping नहीं पसंद करती मैं किसी के साथ। अच्छा, वो मुझे लगता है, मुझे भी नहीं किसी के साथ, अपना time ना, जितनी देर आपने जिस जहाँ पे जितनी देर लगाई लगाई, आपको टेंशन होती है जो आपके साथ है वो ख्वार हो रहा है, तो पर्सनली पसंद नहीं करती हूँ। हाँ, लेकिन वैसे फ्रेंड्स के साथ आई लाइक टू पार्टी, आई लव पार्टी, आई एम अ पार्टी गर्ल। और कभी किचन में कुछ अगर किसी खास बंदे के लिए पकाना हो, अपने फ्रेंड्स के लिए, आई एम द बेस्ट पर्सन कुक करने है, आई एम, मतलब शायद उतना कुक ना करूं, जैसे ईद पे मैं घर चली जाती हूं, काम तो मम्मा ही करती है, लेकिन शोर तो मैं बचाती हूं, मतलब आप मेज़बान, मम्मा खीर, मम्मा मुझे खीर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरे लिए पुलाव बनाए, एक रौनक लगाने में सारा जो सबसे आगे, हां सबसे आगे, मेरे लिए पुलाव बनाए और सैलेड बनाए। सारा कितने बजे सोती है? अभी पूरा हमें पता चल गया, शॉपिंग ये वो। अरे हां, रात का खाना कितने बजे खाती हो? ये तो, ये भी 7:30-8 o'clock मैक्स, 7:30 ये, ताकि अर्ली डिनर हो गया 5 or 6-7 का, 2 घंटे का कुछ, और फिर अर्ली डिनर कर लेती हूँ। वो भी घर में बनवाती हूँ या फूड होम डिलीवरी? होम डिलीवरी। घर में क्या कुक वुक नहीं रखा हुआ? शेफ नहीं है मेरे पास अभी, मैं ढूंढ रही हूँ, देखो इफ आई गेट इट, बट आई एम गेटिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। ओहो, तो चॉइस हो जाती होगी। हाँ, और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है एक बंदा है जब घर में तो कितना खाना बनवा लेंगे आप, वो फूड डिलीवरी, होम डिलीवरी सही है? बोर भी तो हो जाते हैं ना आप एक ही तरह का खाना खाते हुए, आप कभी सैलेड खा लें, कभी आप कहीं से कुछ मंगवा लें, कभी यू नो। बीमार होती है सारा तो तीमारदारी के लिए उसको पूरी फौज चाहिए या खुद ही सेट हो जाती हो? इतनी बीमार तारी नहीं करती? इतनी बार शूटिंग करते करते लाइफ में मैं बीमार हुई हूँ। कितनी बार हम कहीं होते हैं ना बाहर तो बीमार हो जाते हैं, तो मेरे पास कोई ना कोई होता है, अगर मैं यूजुअली कभी बीमार हुई हूँ, कभी अगर सेट पे हूँ तो कोई ना कोई होता है, एंड पीपल बीन वेरी वेरी काइंड टू मी।
बट अगर कोई भी ना हो हाँ. तो मैं आराम से दो दिन अपने आप को रेस्ट दूंगी, फिर मैं अपना टैबलेट खुद अपना ख्याल रख लेती, अपनी डॉक्टर बन जाती हूँ ना, फिर अपना फिर अच्छा मैंने इतना सोना है, अच्छा मैंने अभी 3 मिनट में खाना है, मतलब मैं बीमार. कितनी अच्छी बात है तुम अपना ख्याल रख. दो दिन से ज्यादा मैं ना बीमार, मतलब बीमार नहीं हो, दो दिन बेड पे लेट गई, बुखार नीड्स टू गो. अच्छा सारा आपको कोई फोबिया है, किसी चीज से डरती है, ऊंचाई से, लिफ्ट में बंद होने से, या कोई कोई भी ऐसी चीज? फोबिया मुझे कॉकरोच, छुपकली, किसी से डर लगता है? मतलब कॉकरोच आ जाए तो बस चीखे मारूंगी. माय गॉड, नहीं मुझे पता नहीं. और मैंने, मेरा सबसे बड़ा वजह वो था ना, डेयर था मेरा उसको मारना जिंदगी में. तो मैंने एक दिन डिसाइड किया ये डेयर है, आई एम गोना किल हिम राइट नाउ राइट अवे. मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा डेर था, क्योंकि अदरवाइज सब स्प्रे कर करके ना मुझे उससे भी उससे उलझा. कैसे, किस चप्पल से मारा तुमने? तो स्प्रे करके वाइपर, वाइपर से दूर ना, स्प्रे भी कर दो फिर उसको कर दो जब तक मुझे कॉकरोच ने एक चप्पल की मार है यार, चीखे और हालत खराब, मतलब पता नहीं क्या हो जाता. आई जस्ट कांट टेक इट. बस कॉकरोच का डर लगता है ना, उड़ता भी है ना. अंधेरे अंधेरे से डर नहीं लगता? इतना नहीं अंधेरे से डरपोक नहीं हो, मतलब अंधेरे से अब नहीं डर लगता, पहले लगता था मुझे. हाँ. छोटी थी तब लगता था. हाँ. अब नहीं लगता अभी. वो भी मैंने किया अपना फोबिया खत्म, क्योंकि देखो ना तुम्हारी फैमिली पंजाब में होती थी और तुम यहाँ काम की वजह से यहाँ पे रहती थी, तो कभी कभार अकेले बंदा डरता है ना. हाँ. मतलब नहीं नहीं लगता था डर अंधेरे से, लेकिन पता नहीं खत्म. हेल्प होती थी तो जरा जो हेल्प. कैंडल अभी मैं एक और कैंडल जला के सोती हूँ. मेरा एक नेचर है वैसे, मैं कभी जब ट्रैवल करती हूँ कहीं भी, मैं मेरे बैग में एक कैंडल होती है. वो कैंडल डिस्पोजेबल कैंडल, परफ्यूम कैंडल होती है खाली? नहीं नहीं लाइट वाली, तो सिंपल कैंडल. अच्छा. मैं रखती हूँ अपने साथ, तो वो शुरू से मुझे आदत है. तो कैंडल वैसे भी कहते हैं कि इविल जो ओरिजिनल कैंडल आई आल्सो, वो भी मैं लगाती हूँ, लेकिन ये है कि वो मेरे साथ एक कैंडल होती है. कभी अगर जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आए तो ना, कहना जैसे एकदम लाइट ऑफ हो जाए, तो वो मेरे पास कैंडल है. मैं हर बार लाहौर में चली जाती है ना लाइट, मतलब 10 मिनट्स के लिए. अगर मैं तुमसे पूछूं तुम्हारे पर्स में क्या है, तो तुम्हारे पर्स में कैंडल जरूर होती है. कैंडल मेरे ट्रैवलिंग बैग में जरूर होता है, उसके बिना नहीं जाऊंगी. आ जाओ उधर चलते हैं, तुम्हारे मेकअप के बारे में भी बात करते हैं. ये तो हमारा पूरा रूटीन हो गया. टाइम काम होता है तो फिर जाहिर है रूटीन अलग होता होगा, ये तो काम की बगैर वाला. ऐसी चीजें करती हूं ना मैं, तुम क्या क्या पूछ रही हो मुझसे ना, है ना. हां वो तो कितनी फुर्सत है. ये तो सवाल तो तुम्हें पता नहीं, मेरे फेसबुक पे क्या क्या सवाल आए हैं पूछने के लिए. आप मोनालिसा से पूछे वो कौन से साबुन से नहाती है, इतनी वो प्यारी है, ये तो ऐसे सिर्फ तो सवाल आते हैं. मैं आपको क्या बताऊं वो सारे सवाल. साबुन आप वो यूज करें, हर्बल सोप्स. मेरे पास क्लिप आ गई है राबिया जिंदा है कि मैं दिखाना चाहूंगी आपको कि पहला ड्रामा जो सारा लोरेन का है, और अब आप देखिए लाइफ पता नहीं कितना फर्क आया है कि नहीं आया. मुझे तो नहीं लग रहा फर्क आया. पहले फैशन क्या था ना, स्लीव्स और ये वो, फैशन चेंज होता रहता है. तुम फैशन को कैसे लेती, अपने आप को चेंज करती हूँ उसके हिसाब से, या जो तुम्हारे पर सूट करता है तुम उसी पे स्टिक रहती हो? फैशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपके सूट करते हैं, जो नहीं करती है, लेकिन हर किसी का एक ना एक पैटर्न होता है ना. हाँ. कुछ कोई एक स्टाइलिंग ऐसी रहती है जो आपके सूट करती. हाँ. है. आई मीन जो मुझ पर अच्छा लग रहा है मेरा. तुम्हें क्या लगता है किस तरह के कट्स अच्छे लगते हैं? मुझे याद है तुम छोटी कमीज और शलवार पटियाला टाइप होती थी, वो बड़ी तुम्हारे पर बहुत प्यारी. अच्छा, मैंने फिर वही कहा ना, रोल्स की वजह से पहनती हूँ. हाँ, रूटीन में पता नहीं, सिंपल शलवार कुर्ता अच्छा लगता होगा. अच्छा, मुझे लगता है. हाँ, एक सिंपल, बिल्कुल सिंपल शलवार. अगर तुम्हें क्या लगता है तुम एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या होती? मैं कोई इंटीरियर डिजाइनर भी हो सकती. हाँ, मुझे इंटरेस्ट है बहुत. हाँ. और मुझे ये भी इंटरेस्ट है कि जितना बजट है उस बजट में क्या कमाल है. अच्छा, ये है एक और नेचर मेरा. हाँ. ये मैंने क्योंकि अभी अपना घर वर जब कंप्लीट करी थी चीजें, तो आई नोटिस दिस थिंग ना कि मैं. हाँ. एक बजट बनाती हूँ. हाँ. इतने में करना है, तो आई थिंक दैट इज अ टास्क. अगर वो बजट जस्ट फॉर सपोज आपका कोई 20 लाख का बजट है. हाँ. तो आपने वो चीज अगर 25 में कर ली है तो आपके सारे फिर बाकी बजट डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे. तो आप 20 से 21 हो जा सकते हैं, 20 से 25 नहीं जाना. बजट कंट्रोल में रहता है तुम्हारे हाथ में, या कभी कभार अगर कोई टास्क है, कोई चीज करनी है. हाँ. तो उसका एक बजट रहता है, लेकिन वो मार्जिन रहता है हमेशा के ऊपर लग जाएंगे थोड़े से लग जाने. यानी आया तुम्हारे हाथ में, कहते हैं हाथ में छेद है. नहीं, मैं तो रख ही नहीं सकती पैसे, मेरे मामा फिर भी सिक्योर कर ले. मैं नहीं. हाँ, मामा मुझे दूर रखे इन चीजों से, पैसों से और इन जिम्मेदारियों से. अच्छा, मैंने देखा तुम्हारा मेकअप हमेशा नो मेकअप लुक हुआ करता था. मैंने कभी भी तुम्हें ओवर मेकअप करते हुए नहीं देखा. और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जैसे अब रिसेंटली
तुम क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज करती हो, मैं हमें अगर तुम लाई हो तो हमें दिखाना। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं और लोग देखना चाहेंगे कि सारा हमेशा ऐसी चमकती दमकती कैसे नजर आती है, और ओवर मेकअप भी नजर नहीं आता कि भाई बेस थोपी हुई है। और अभी से नहीं, मैंने शुरू से देखा है तुम्हें। अच्छा। कि तुम बड़ा पर्टिकुलर हो कि मैंने कितना बेस लगाना है, कितनी लिपस्टिक होनी चाहिए, कितना आई मेकअप, और ये चीज़ तुम्हारी बड़ी पसंद की जाती थी। Okay. वरना सब लड़कियों का तो लिपस्टिक और मेकअप छुटा रहे होते थे डायरेक्टर्स, पर वो कहते थे सारा को देखो, मतलब ये कितना अच्छा। हाँ, मुझे नहीं पता, ये तो आप बता रही हैं तो मुझे, क्योंकि डायरेक्टर की बीवी हूँ मैं तो वो कहते ये देखो कितना। हाँ, तुम्हारे डायरेक्टर पे बात करेंगे, मेरे डायरेक्टर, मेरे मियाँ पे, और तुम्हारे डायरेक्टर पे बात करेंगे, बात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सारा लोरेन हमारे साथ, मुंह से निकल रहा होता है मोना, मैं मो का सर कर, तो मैंने अब ये कहना शुरू कर दिया, सारा लोरेन द मोनालिसा ऑफ पाकिस्तान, लेट्स टेक इट दिस वे, सिंपल कर लेते हैं। हमने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि क्या सारा मेकअप के प्रोडक्ट्स यूज करती है, आइए जरा जानेंगे हम इनसे कि आपके बैग में क्या होता है, क्या बेस कौन सी यूज करती है, तो लाइए साथ। अच्छा, हाँ, बिकॉज यू सेड यू वांटेड टू सी इफ यू थिंक, सो जरा पता चले ना कि भी क्या अच्छा है वो। नहीं, अच्छा ये जैसे मैं, मेरा एक खास बेस भी होता है। अच्छा, दो तीन बेस मिक्स करके करती भी है, बट आई डू यूज दिस कलर थोड़ा सा। ये क्या है, शनेल है क्या है? हाँ, शनेल की कौन सी वाली बेस है? हाँ, ये आई थिंक लिटिल मिनरल इसके अंदर होगा, थोड़ा सा मिनरल बेस है बिल्कुल। वो टीवी के लिए भी यही यूज करती है, कहीं आने जाने के लिए भी यही यूज करती है, इसके साथ थोड़ा सा आप मिक्स करते हैं लिटिल डार्कर कलर, सो आई थिंक वो मेरा टोन बन जाता है। वो शनेल की यूज करती हो? हां, दैट आई ऐड वन और टू डिफरेंट थिंग्स, व्हाट सबको जो जो कॉम्पैक्ट लूज पाउडर, ये किसका है? ये है एक इसका, इनफैक्ट इट्स अ रेवलॉन, बट ये यही से मिलता है पाकिस्तान से, रेवलॉन का? I don't know, मैंने तो शायद बाहर से लिया होगा, but ये it's a very different powder, but this is not a normal powder, so ये थोड़ा सा इसके अंदर क्या है, मैं पढ़ के देखूँ जरा, बड़ी interesting सी चीज़ लग रही है। हाँ, you can check little color, so हाथ पे लगा के देखो powder को। पहले पे मैं ये देखना चाह रही हूँ, Revlon color stay, so this is little fine ones in the, बिल्कुल जैसे लगा ही नहीं कि powder लगा हुआ है, rather than putting lot of powder, और इसके साथ brush भी है, और इन चीजों पे थोड़ा time लगाना चाहिए। जब आप जाते हैं बाहर तो मैंने भी सीखा है, मुझे भी नहीं। हाँ, शॉपिंग कर रहे हो तो आप देखते हैं कि आप पे क्या मेकअप में क्या लेना है। हाँ, और पाउडर कोई भी पाउडर नहीं उठा के लगा सकते। हाँ, क्योंकि तुम्हारा लगता नहीं जैसे पाउडर लगाया हुआ है, मगर आपको बेस को कंसील तो करना होता है ना पाउडर से। हाँ, कंसील भी करना होता है, और कंसील इन लॉक करना होता है अगर आपने बेस लगाया है, लाइन्स ना पड़े तो मोस्टली। अब बेस तो ये हो गई, अब कॉन्टोर या आई मेकअप किस ब्रांड का करती हो? क्या क्या चीजें पकड़ी हुई मैंने, ये क्या चीज है, ये भी कुछ, ये है, भी बेस है। हाँ, ये भी कुछ है, इट्स अ लिटिल ग्लो काइंड ऑफ थिंग, आई जस्ट ऐड मेकअप से पहले। हाँ, इसको अगर हाथ पे वो ट्राई करोगी तो ये भी। हाँ, ये, अच्छा, दिस आई डू मिक्स विद वो, ये अच्छा, ये थोड़ा सा लाइक शाइन आ जाती है फेस पे ये लगाने से। अच्छा, नहीं ये डार्कर है, डार्कर बेस के साथ गोल्डन है शायद, है ना? हाँ, तो इसको उसके साथ मिक्स करते हैं, शनेल के साथ, तो थोड़ा सा यू नो कलर टोन। अच्छा, तो मिक्स होके बहुत अच्छा बन जाता है ये, वो वाला थोड़ा गोरा है, ये थोड़ा सा टैन है, तो इससे आप कंटूर भी कर लें। हाँ, इसी से ही कंटूर कर लें, एंड देन यूज दैट बेस लिटिल बिट ऑन योर स्किन, सो टिश्यू पेपर तो दे दो कोई, कपड़ों पे ना लगा दो। इतना डिटेल में बता रही हूँ मैं तुमको, मेकअप अच्छा है ना, सही, लोगों को पता होना चाहिए, कमाल करती हूँ मैं। अच्छा, एक और चीज आजकल मैंने ऐड की है, इन ब्रांड वालों को मुझे हायर कर लेना चाहिए। ये क्या, ये कोई स्किन की प्रोडक्ट है? हाँ, दिस इज फॉर स्किन, दिस इज एलोवेरा जेल एक्चुअली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई हैव रियलाइज्ड स्पेशली गर्मियों में। हाँ, क्या करती हो, पहले इसका मास्क लगाती हो या क्या? मेकअप से पहले एक बार स्किन पे लगा के धो लेती हो? मैं तो टिश्यू से, मैं नहीं वो वॉश नहीं करती हूँ, just keep it little bit टाइट हो जाती होगी स्किन, आई जस्ट लाइक इट, इट जस्ट गिव्स यू, सो आई डोंट क्लीन इट विद द वाटर। तो ये तो मेकअप से पहले करती हो? हाँ, सो आई डू, और स्पेशली मुझे लगता है गर्मियों में कुछ खास नजर नहीं आ रहा मुझे। उल्टा कर लो ना पूरा, नहीं इसमें कुछ नहीं है, क्या ऊपर उल्टा कर लो सब छान, आई डोंट नो, ओह व्हाट डू वी हैव इन दिस, है ना ब्लश ऑन निकल आया ना, क्या है भाई, टिश्यू दे दो। हाँ, दे दो दे दो दे दो दे दो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये क्या है, लिपस्टिक,
मेरा सबसे लाइफ में फेवरेट कलर, मैं सिर्फ इस एक लिपस्टिक से पूरा मेकअप कर सकती हूँ। ये वो है मैक की रूबी मेकअप, रूबी वो मेरी भी फेवरेट लिपस्टिक, पूरा मेकअप वन लिप कलर। लेकिन तुमने अभी तो नहीं ये लगाई भी? अभी मैंने हल्का टिंट वो किया, बट वैसे कह रही हूँ दैट दिस इज लाइक समथिंग आई कैन यूज फॉर लिप्स एंड। और पूरा तुम ब्लश भी इससे लगा लो, ये लिपस्टिक सिंपल मस्कारा और एक बेस लगा के मैं कहीं भी जा सकती हूँ। हाँ बस वो वाली चीज है। ओह ग्रेट, ये चीज बहुत अच्छी है। ये क्या है? मेरी हैंड क्रीम, ये भी जरूरी है। इसके बिना मेरे हाथ के वेन्स कभी कभी दिखते हैं। हाँ, तो मुझे पतली है स्किन। हाँ, पतली है तो मुझे प्रॉब्लम होता है। हाँ, तो मुझे हमेशा हाथों को वेन को रखना पड़ता है हाइड्रेटेड थोड़ा सा। हाँ हाँ, और अपने नेल्स वेल्स का ख्याल रखती हूँ, हाथ का, ये मेरे हाथ बर्तन धो के खराब नेल्स का मैंने बहुत ख्याल रखा है। हाँ रेगुलरली फेशियल वगैरह कराती हूँ अपनी स्किन, इसलिए इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ नो। मुझे अंदर से प्रॉब्लम है, मेरा इनसाइड प्रॉब्लम है, मतलब मुझे अंदर से फ्रेश नहीं फील होता। कभी नहीं देखेगी कि तुम्हारी एड़ियां पटी हुई हैं। मुझे क्लीन नहीं फील होता, मैं थोड़ी सी क्लीनिंग फ्रीक हूँ, तो मुझे लगता है मसाजेस और ये सारी चीजें जरूरी है। एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड शुड बी, शुड बी, बिकॉज़ जितना आप काम करते हैं स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, स्ट्रेस शोल्डर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होते हैं इस काम में। तो तुम्हें वो मसाज और ये सब मुझे सब पसंद हमेशा से था वैसे। हाँ शुरू से मुझे याद है, मैं जैसे कुछ भी होता था, आई रिमेम्बर जब मैं बहुत काम करती थी टीवी पे, तो मैं संडे नहीं करती थी, मैं संडे को सलोन पूरा दिन मैंने स्पेंड करना, मुझे लगता था मैं अगले सात छह दिन के लिए रेडी हो जाऊंगी लाइक दैट। अच्छा क्या बहुत सारी चीजें इंसान सीखता भी है, तुमने डांस वगैरह कहाँ से सीखा, मतलब कोई क्लासेस ली? अच्छा डांस तो सबको पता है ना, मैं शुरू से करती थी और हाँ। मुझे सबसे ज्यादा इनकरेज जब शुरू में मैंने किया था, मैं फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस था ट्रिब्यूट टू मैडम नूरजहां। अच्छा इकबाल अंसारी साहब और हाँ। ये थे आई थिंक इंडस पे था हाँ। तो स्टेज पे पहला डांस परफॉर्मेंस मेरा वो था। अच्छा और भट्ट साहब शायद आए थे तब, मुझे याद है कुछ भट्ट साहब आए हुए थे, उन्होंने ही वाज अटेंडिंग। हां तो मैंने ऐसे किसी को जाके मस्ती में कहा ना, मैंने कहा इनको मैं नजर नहीं आ रही एंड सी यू नेवर न्यू कि एक्चुअली मेरी कुछ कहा होता है कबूलियत की गाड़ी। और मेरी जर्नी भट्ट के साथ ही स्टार्ट हुई, चाहे वो पूजा भट्ट थी तो फिर चाहे वो विशेष भट्ट से हैं, तो यू नो तो बट इन बॉम्बे पीपल लाइक शी इज अ भट्ट गर्ल। हां यू नो वो भी एक टैग लगा मेरे ऊपर कि थोड़ी सी भट्ट गर्ल है, मतलब लाइक hot body innocent face and you know this is a different market but that was a tag and kuch log bhi bolte the she's a young time of zeenat aman and oh ha to is tarah ke kafi tags mile wahan pe abhi kaam karte yaar jo bhi you know so that's a different industry yahan pe jaise madam rani ke sath bada mujhe karte rehte hain once I did anjuman anjuman अंजुमन बहुत अट्रैक्टिव है। नहीं नहीं अंजुमन जो हमने की थी साथ में टेलीफिल्म, अंजुमन फिल्म। अच्छा मैं तुमने बिल्कुल वही काम किया। हाँ फॉर्मूला टू हो गया, फॉर्मूला टू हो गया। एकदम बात कर रही है कि रानी और फलाना और एकदम आ गई अंजुमन, तो मुझे थोड़ी समझ आएगी कि अंजुमन फिल्म की बात कर रही है। आप ही के हस्बैंड डायरेक्टर के अंजुमन की फिल्म की बात कर रहे हैं, मतलब आप कुछ सोचे बातों में वहां से बात करती करती आई अंजुमन, तो रेलिवेंट है ना। तो मैंने कहा अंजुमन भी जैसे उनके साथ की थी यासिर नवाज के साथ, अच्छी अच्छी की तुमने एक्टिंग, बड़ी प्यारी की थी यार। नहीं और वो उसका याद है ना, वो जो एक सीन था तो मैं कह रही थी एक और शॉट ले लें और तुम लोगों ने जाके लाइट्स ऑफ कर दिए थे और हम लोग हाँ तुमने कहा था लाइट चली गई है कि मतलब हमने शॉट ले लिया मैडम घर चली जाए मुतमईन नहीं होती थी एक शॉट और एडिटिंग सर एडिटिंग में फंस जाएंगे यासिर इज लाइक मैंने ले लिया शॉट तो उसने बाद में जाके लाइट ऑफ कर दी और मुझे अब पता चला कि वो लाइट गई नहीं थी उसने लाइट ऑफ कैसे पता चला उसने कहीं सुनाया ये हाँ मुझे कहीं बाद में पता चला कहता वो हमने लाइट ऑफ कर दी थी हम इसने यासिर किस किस्म का डायरेक्टर है एक एक्ट्रेस बैठी मैं कह रही सर जब तक आप नहीं कहेंगे मैं नहीं जा रही हूँ ना रात के दो बज रहे थे दो ढाई मुझे याद है तो तुम परफेक्शनिस्ट थी हमेशा से तुम्हें ताकि बस परफेक्ट होनी चाहिए मैं हर जगह बोल देती हूँ ना जब मुझे लगता है बहुत कमाल लग रही हूँ ना शॉट और स्क्रीन पे सेट पे सर दो तीन शॉट और ले लें क्यों हाँ. आपको एडिटिंग में काम आए सब दे लुक एट मी इज लाइक हमको इतने ही चाहिए हाँ. मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ अच्छा सारा का दिल कैसे दुखता है अगर आजकल हर किसी को ट्रोल किया जाता है तो आप भी जाहिर है उसी फेरिस्ट में आती हैं शोबिज पर्सनालिटी मैं ज्यादा ट्रोलिंग करने का लोगों को मुझे शौक है लेकिन मैं कोशिश करती हूँ ना मिले उन्हें मौका मेरी तरफ से फिर भी मिल जाता है पता नहीं कैसे कभी होता है कि दिल दुख जाता है दिल पे ले लेती हो कभी चीजें होती हैं मैं पढ़ती हूँ लोग बहुत ज्यादा वियर्ड लाइंस लिखते हैं कभी कभी नेगेटिव और बहुत ज्यादा वियर्ड लाइन लिखते हैं वो नहीं आपको अच्छे लगते वो आप हर्ट होते हैं लेकिन मैंने कहा ना अभी माइंड इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है कि वो डजंट मैटर एक्चुअली बिकॉज जो लिख रहा है आई डोंट नो द पर्सन
टेक्निकली मुझे नहीं पता वो किस स्टेट ऑफ माइंड से लिख रहा है, उसके अंदर इतनी नेगेटिविटी क्यों है. हाँ, क्या पता मियाँ से उसकी लड़ाई हो या बीवी से उसकी लड़ाई हो. हाँ, मतलब उससे गुबार यही निकाल दियो. इतना क्यों तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है. हाँ, कुछ लोग तो बहुत पर्सनल है मेरे. हाँ, साथ मैंने देखा. हर किसी के साथ होते हैं. हाँ, तो मैं देखती हूँ ना कुछ लोग ज्यादा पर्सनल हो रहे होते. हाँ, और मतलब आप चेक करेंगे ना. एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना कि जरा किसी ने पूछा अच्छा पाकिस्तान में न रहे. अच्छा पाकिस्तान से वो होता है ना नीचे लिखा होता है जाएं जी आप पाकिस्तान से चली जाएं. अच्छा आप पाकिस्तान क्यों आए. अच्छा अरे हेलो. हाँ, इज इट योर फादर्स कंट्री. व्हाट प्लीज गिव मी अ ब्रेक. फादर्स कंट्री तो है लेकिन हमारी भी फादर की कंट्री. एग्जैक्टली हैव यू गो. तो जो लोग नीचे हैं तो स्टेटमेंट दे देते हैं सब बड़े बड़े लोगों के बारे में. निकलो पाकिस्तान से. पाकिस्तान कभी नहीं आना. पाकिस्तान ये. व्हाट आर यू डूइंग फॉर पाकिस्तान. ऑल द बेस्ट पीपल दे आर सिटिंग आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान. दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर पाकिस्तान. अगर मैंने चार चीजें सीखी हैं तो मैं यहाँ आके काम करूंगी. मैं अपना पूरा फ्यूचर मरते दम तक इसी कंट्री में रहूंगी. बिकॉज दैट्स हाउ इट्स गोना हैपन. बिकॉज दिस इफेक्ट ऑफ माय लाइफ. अगर मैंने अपना ही टैलेंट अपनी कंट्री में यूज किया तो इट विल बी नॉट दैट वर्थ इट. बट इफ आई यूज हियर एंड आई डाई दैट विल बी वर्थ इट एनी डे. अच्छा ये वाली बात तो हमने शायद की भी नहीं. तुमने कहा कि मुझे तो शादी नहीं करनी. मुझे तो कोई शौक नहीं है. मुझे मतलब लाइक ये होता है शायद तुम्हारे ऊपर की छोटी उम्र में जिम्मेदारियां आ गई. ये चीज कहीं क्रश हो जाती है. मगर अगर अगर सारा को कोई ऐसा शख्स मिलता है जिससे सारा खुद अट्रैक्ट होती है तो उस शख्स में क्या क्या क्वालिटीज होंगी तो तुम अट्रैक्ट होगी. तुम्हें क्या लगता है कि आप तो तुम ये बात तो ऐसे प्यार हो सकता है ना. हो सकता है ऐसे ऐसे प्यार हो सकता है. ऐसे हुआ था ना जब लाइफ में एक बार. हुआ है कभी. एक बार हुआ. हाँ, फिर मेरी जिंदगी में वो मौका आया ना. क्या शेर है कि शेर है ना कि मेरी तलब था एक शख्स. हाँ, अर्ज किया है. मेरी तलब था एक शख्स. वो जो नहीं मिला तो फिर हाथ दुआ से यूं गिरा. भूल गया सवाल भी. आए, क्या थी तुम्हारी तो बहुत यंग टीनेज थी. क्या थी अभी अभी रिसेंटली. Recently, मोहब्बत हुई सारा. When I was doing Murder 3, यहाँ हुई तो इस पाकिस्तान में किसी से थी. और फिर तुम Murder 3 करने चली गई. मैंने कहा थोड़ी देर इग्नोर मार दो उसको. क्यों? Just ignore. I don't want to see the person. I don't want to be here. क्या उसने कुछ ऐसा किया तुम्हारे साथ जो तुमने कहा मैंने मोहब्बत करी? नहीं नहीं, ऐसा बेचारे ने कुछ नहीं किया. तो फिर वो उससे बस उसकी शादी हो रही थी और the person is getting married और सब चीजें वो थोड़ी सी मुझे इफेक्ट कर गई. हाँ, और मैंने जब अब जाके रियलाइज किया. तुम्हें था कि तुमने शादी करनी है जिससे तुमने मोहब्बत? नहीं नहीं, मैं नहीं थी श्योर शादी. खुद भी नहीं शादी कर रही तो उसकी भी तो हो रही है तो दुखी हो गई. ऐसे नहीं होता ना. ऐसे नहीं होता. इट्स नॉट अबाउट दैट. समटाइम्स इट्स नॉट अबाउट मैरिज ऑलवेज. तो सारा उसमें ऐसा क्या था जो तुम उससे अट्रैक्ट हुई? उसकी पर्सनालिटी में क्या था ऐसा? बस कुछ बात मुझे पसंद आ गई थी. कोई एक उसकी जेन्युइननेस. कोई एक ऐसी चीज. सिंपलिसिटी. हां, समथिंग ही टॉक्ड अबाउट. समथिंग ही टॉक्ड अबाउट एंड समथिंग आई थिंक मेंटली मुझे लगा कि शायद हमारी अटैचमेंट. शोबिज में शोबिज से बाहर. अभी छोड़ दो उन बातों को. ऐसे वैसे कुरेद रही हूं शोबिज. चलो शोबिज में. शोबिज में. हां, बाद में गेस करती रहना. अच्छा, अब यार मेरा दिमाग अटक गया पूरा दिन. तो आप भी गिनती रहेंगी किससे किस किस के साथ काम किया है इसने. अच्छा, मैंने नहीं, हमने कभी काम नहीं किया. काम नहीं किया. कैमरे के पीछे कैमरे के आगे कसौटी चल रही है. अगला एपिसोड आप देखेंगे कसौटी. कैमरे के पीछे भी कैमरे के सामने भी. अरे बाप रे, ये कौन है? अल्लाह रहम करे, ये कौन है? शादीशुदा या गैर शादीशुदा? कितने बच्चे? नाम का फर्स्ट अल्फाबेट. उसकी वाइफ का फर्स्ट अल्फाबेट. प्लीज गिव मी अ ब्रेक. ओह माय गॉड, उफ, दैट वाज अ फनी स्टोरी. ओह, अच्छा वो भी होता है ना शायद. हम क्योंकि टीवी और ये करते जाते हैं ना तो एक मिथ मुझे लगता है हम थोड़ा ड्रीम में भी हम चले जाते हैं ना. एक ड्रीमी लव स्टोरी होनी चाहिए. लाइफ इज नॉट अबाउट ड्रीम. नो, नॉट एट ऑल. तो यही मैंने सीखा जब मैंने कहा ना 2013 और 16 के बीच में एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मेरा खुद का. होता है ना सडनली बड़ी हो गई ना. एकदम हंसते हंसते ना पैसे हंस रहे होते हैं ऐसे 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 हंस रहे हैं सडनली यार. मोहब्बत तुम्हें हुई है और वो छोड़े पूरी. वो इस काबिल है कि मुझे उससे मोहब्बत हुई वरना मुझे तो मोहब्बत नहीं हो. कहीं कोई उसमें इतनी एक्स्ट्रा बात होगी जो बाकी लोगों में नहीं है. माय फीलिंग्स आर नॉट लाइक फॉर For everybody, it's not. I'm very bad in this. मैं बड़ी क्रूअल हूँ इस बात में ना. मेरी मोहब्बत और मेरी स्माइल और मेरे इमोशंस किसी ऐसे चलते फिरते ऐसे नहीं है ही नहीं. उससे बेटर मैं नहीं. मैं आई कैन इमोट माई सेल्फ विद. मैं टीवी देख लूंगी. मैं फिल्म देख लूंगी. मैं ठीक हूँ. मैं टीवी और फिल्म देख लूंगी. मैं मियाँ नहीं देख सकती. मैं खराब नहीं. आई कांट टेक इट एट ऑल.
मुश्किल है। क्या चीजें जो तुम्हें शादीशुदा जिंदगी में थोड़ी खटकती है, मतलब एडवांटेजेस भी हैं शादीशुदा लाइफ के और डिसएडवांटेजेस भी हैं। सो अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूँ, तुम्हें क्या लगता है कि ये चीज मुझे ज्यादा, मुझे जिससे डर लगता है, थोड़ी खटकती है शादी में? क्या चीज? पाबंद होना, कोई आपका इंतजार कर रहा है, आपको वापस जाना है। हाँ शायद ये बात। हाँ कि आपको वापस जाना है किसी के पास। हाँ शायद तुम्हें खटकता है। मुझे थोड़ा खटकता है, किसी को बिठा कहीं भी जाओ, वापस जाना है। नहीं जाना है वापस, आगे से आगे चले जाओ, लेकिन वापस जाना है। फिर शादी के लिए मतलब वापस जाना है। हाँ। वो वाला शायद एक थॉट, कमिटमेंट एक्चुअली कहीं वो थॉट है ना। कितना आज मैं आरटी शो कर रही हूँ, हाउसवाइफ कह रही हूँ कि आज हम धनिया भून रहे हैं और भिंडी पका रहे हैं और कह रहे हैं शादी और ये शेर चाय। कोई ऐसी ख्वाहिश है तुम्हें जिंदगी की जो तुम्हें लगता है अभी तक पूरी नहीं हुई और इंशाल्लाह अल्लाह ताला करे पूरी हो जाए, दुआ करती हूँ। मेरा बेस्ट काम अभी तक आया नहीं। मेरा अभी तक बेस्ट ऑफ माइंड हैज नॉट। तुम अभी अपने आप को और एक्सप्लोर करना चाहती हो? भाई कोई ऐसा काम करूं, दबंग काम? नहीं हूं तो मैं दबंग ही, काम हाँ। भी मेरे दबंग है, ऐसी बात नहीं है, बट मे बी दैट वेरी वेरी फाइन डिजाइन रोल आई एम स्टिल फीलिंग इट्स मिसिंग, क्योंकि अब वो टीवी और फिल्म का जो मिक्सर हो गया, अब उसके बाद एक और यू नो। तुम्हें लगता है बहुत सारी लोग आ गए जिस जमाने में तुम पहले काम करती थी? मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैंने देख लिया सबका काम। नहीं मुझे नहीं फर्क, तो मेरी फर्क पड़ता। आई थिंक एवरीबॉडी हैज देयर ओन स्पेस, कुछ फर्क नहीं पड़ता। किसी किसी को फर्क नहीं पड़ता किसी से, और मेरा स्पेस इतना अलग है कि मुझे तो कभी कंपटीशन भी नहीं फील होता। आई डोंट फील अच्छा मैं इससे कंपटीशन कर रही हूँ, आई डोंट फील इट। जो अभी आजकल नई लड़कियां हैं जो काम कर रही हैं, तो मैं तुम्हारी बेस्ट कौन सी लगती है उसमें, एक्टिंग वाइज और पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी वाइज तुम्हें किसका काम सबसे अच्छा लगता है? अच्छा कर रहे हैं, I think I like Sajal's work, I like Ikra's work, in fact I like Maya's work too, so ये सब अच्छा कर रहे हैं। कौन से नए हीरोज हैं जो तुम कंसिडर करती हो कि जैसे तुम्हें कोई रोल ऑफर होगा और तुम्हें ऑप्शन दिया जाएगा कि आप अपने साथ किसको पेयर अप करना चाहिए, तुम्हें किसका काम अच्छा लगता है एज तुम्हारे साथ? I think all these girls will be very comfortable with me. हीरो हीरो की बात कर रही हूं, तुम्हारे ऑपोजिट लड़के की बात? हां जो आजकल आए हैं। आई लाइक फवाद खान, आई हैव अ आई रियली वांट टू वर्क विद हिम। हां और जो और नए लड़के आए हुए हैं, फवाद तो है ना तब के, लेकिन अगर मैं तुम नए लड़कों का पूछूं, शरियार मुनव्वर, शरियार मुनव्वर तो मुझे लगता है उसका काम अच्छा है, उसमें है पोटेंशियल, ही इज डिफरेंट एक्टर। लाइक मैंने फवाद ने किया हुआ है, फैसल के साथ किया हुआ है, हुमायूं के साथ में भी है, मैंने बिलाल अब्बास के साथ किया। तुमने बिलाल अब्बास? नहीं कौन है? अच्छा अभी जो नया कौन है, क्या क्यूट है? क्यों? हाँ बिलाल अब्बास है, आई लाइक हिम फ्रॉम दैट प्ले, वो उसका और यमुना का एक प्ले में देख रही थी, तो उसमें दोनों का पेयर अच्छा लगा। अच्छा लगा तुमसे बात करके, बड़े दिनों बाद गुफ्तगू हुई हमारी। पहले तो हम काफ़ी आपस में बड़ी बातें कर रहे होते थे, मैं अपने दिल के फपोले इसको सुना रही होती थी, उस वक्त मेरी शादी होने वाली थी और वही डेट चेंज हो गई थी, मेरे ससुर का इंतकाल हो गया, तो मैं इसके कंधे पे सर रख के रो रही थी, यही मिली थी मुझे मेरी रूममेट। सो अच्छा वक्त गुजरा तुम्हारे साथ, बहुत मजा आया तुम्हारे साथ बात करके। जिंदगी में तुम और आगे जाओ, बहुत हार्ड वर्क किया है तुमने, और अल्लाह तुम्हें और इंशाल्लाह कामयाब इंशाल्लाह। सो जी एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वाफी के बाद हम वापस आएंगे। कुछ ब्रेक पे जाने से पहले कुछ सारा लोरेन अपने फैन से कुछ कहना चाहती हैं? मैं अपने फैन से बस ये कहना चाहती हूँ, लव पाकिस्तान एंड जस्ट इसकी जो खूबसूरती है और इसकी जो क्वालिटीज़ हैं उस पर थोड़ा सा काम करें, सो यू फील गुड, यू फील हैप्पी। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी आप मेरे सारा लॉरेंस से और उनके जाते ही एक और पर्सनैलिटी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, और ये खाली हाथ नहीं आए, अपनी प्रोडक्ट्स की वो कहते हैं ना एक ज़बरदस्त रेंज लेकर आए, और साथ कुछ नई चीज़ें भी हम आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे। जी साहिर लोधी हमारे साथ अमोर लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ईद मुबारक टू यू, आपको भी बिलेटेड ईद मुबारक, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको अपनी फिल्म की कामयाबी। बहुत शुक्रिया, वी रियली रियली अप्रिशिएट एंड सपोर्ट इट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा साहिर ईद पर तो लोग मोटे हो जाते हैं, ये एक पतला सा एक ऐसी बिल्कुल जबरदस्त जॉ लाइंस वाला फेस कैसे? जी मैं दो दिन CMH और दो दिन ज़ियाउद्दीन रह गया। देखें जरा, ये देखें, इससे चिजल हो गया बीमारी। मैं आपको दुबला पतला, I had a severe food poisoning, सारा शीर खुरमा वगैरह सब निकल, सब इट्स ऑल गॉन, ऑल गॉन।
क्या खुशखबरी है हमारे नाज़रीन के लिए? अगर आप इजाजत दें तो खुशखबरी हम थोड़ी देर बाद बताते हैं। थोड़ा सा एक्साइटमेंट है आपके लिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो इससे पहले आपने हमारे पास भी नहीं देखी और हम जो कुछ लेके आए उससे आपका फायदा ही फायदा है। बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट कि आपकी स्किन खराब हो जाती है, आपको फेशियल की जरूरत पड़ती है और आजकल अगर आप कहीं फेशियल करवाने जाते हैं तो 8 से 10 हज़ार रुपए का मिनिमल आपका निकल जाते हैं ना। अच्छा, तो हमारे पास ये जो हमारी फेशियल किट है इसकी बहुत कामयाबी हुई है एंड वी रियली अप्रिशिएटेड। बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जिन्होंने हमारी फेशियल किट को पसंद किया है। एंड लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ इसके रेव रिव्यूज़ हैं हमारे पास, रेव रिव्यूज़ हैं। इसके अंदर 6 डिफरेंट चीज़ें हैं। ये इसी तरह से आपको फेशियल किट मिलती है, 6 डिफरेंट स्टेप्स हैं और ये स्टेप्स जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको देखना हो कि इसके अंदर क्या चीजें शामिल हैं तो इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इस बॉक्स के अंदर यहाँ दिए हुए हैं। अच्छा, कि किस चीज के अंदर क्या चीज़? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल, ये 6 स्टेप्स हैं और ये बड़े आसान से हैं और इस एक पूरी फेशियल नंबर भी लिखे हुए, नंबर्स भी लिखे हुए, नंबर स्टेप 1, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लेते हैं वो समझ नहीं आता लगाना पहले क्या है। बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर जैसे स्क्रब है, मॉइस्चराइजर है, मास्क है, एनीथिंग दैट्स देयर, उसका टोनर है, उसका नंबर जो है वो दिया हुआ है, उसकी तफसील यहाँ पर दी हुई है और उसके इंग्रेडिएंट्स जो है इसके अंदर क्या चीजें शामिल है वो यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, और इस पे भी आज हमारे यहाँ ऑफ है तो आप कॉल कर सकते हैं, अभी नंबर्स दिए हुए हैं, उनसे सिर्फ कहिए मुझे फेशियल किट चाहिए। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पहले मुझे नहीं लगता था कि ये इतनी सक्सेसफुल होगी, लेकिन राइट नाउ वी हैव रन आउट ऑफ इट थ्राइस। ईद से पहले 3 मरतबा ये ब्रांड आउट ऑफ कंप्लीट स्टॉक। क्या आज इस पे क्या डिस्काउंट? आज ये कॉल करने पे पता चलेगा, आज ये लोग कॉल करें आपको पता चल जाएगा कि क्या डिस्काउंट है। आप सिर्फ कॉल कीजिए, निदा के शो को मेंशन करना जरूरी है। आप ये बताइए कि आपने यहाँ पर खाली आज के लिए ये खाली आज के लिए और बाकी जो चीजें उसके लिए हम 1 वीक तक दे रहे हैं, लेकिन फेशियल किट पे आज ही है। अगर आपको फेशियल किट चाहिए ये वाली, इसमें तकरीबन 10 फेशियल्स हो जाते हैं, 10 फेशियल्स हो जाते हैं और ये मैं कह सकता हूँ कि ये फेशियल दुनिया के किसी भी फेशियल के मुकाबले का फेशियल है। I mean, you could put anything, आप किसी भी बड़े सैलून पे चले जाएं और वहां पर अगर आप वाइटनिंग फेशियल लेते हैं, अच्छा ये इंटेंसिव वाइटनिंग फेशियल है, इमीडिएट इसके रिजल्ट्स हैं। अच्छा, ये खाली फीमेल के लिए तो नहीं ना? नो, अक्सर मर्द सैलून जाते हुए तो शर्माते हैं, लेकिन अगर बेगम कहेगी आइए सरताज ये मैं आपका फेशियल करती हूँ, बाइक पे गर्मी में बेचारे मर्दों को भी बिल्कुल हशर नशर हो जाए। एब्सोल्युटली, तो ये मर्द भी ले सकते हैं, खवातीन भी ले सकती हैं। आप अपना एक पैक पूरे घर के लिए काफी और 2-3 महीने के लिए काफी है। और साहिर बहुत सारी बच्चियां यूनिवर्सिटी जाने वाली है, आपस में बहने हैं, सब तो पार्लर जा नहीं सकती। Yes, और अब शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा, शादियों का और गर्मी का सीजन, गर्मी शादी एक साथ। सबसे बड़ी बात ये आपके चेहरे की रंगत जो है वो खराब हो जाती है, तो इससे आपकी रंगत जो है वो दोबारा से वापस आ सकती है। इंटेंसिव वाइटनिंग फेशियल किट है। आप सिर्फ निदा का कॉल बताइए कि मैंने निदा के शो पे देखा था और फिर आपको इसके डिस्काउंट पता चल जाएगा। पूरा दिन सेलिब्रेट हो सकता है फेशियल डे, सब एक दूसरे का फेशियल कर रहे हैं, सीरियसली पूरा खानदान। अच्छा, इसके बाद अभी भी थोड़ा सा सब्र कीजिए, मैं आपको 3 डिफरेंट नई चीजें आज देने जा रहा हूँ और उन पर ह्यूज डिस्काउंट्स हैं जो आप आज ले सकते हैं, आपके प्रॉब्लम हल हो सकते हैं। लेकिन एक बात जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर भाई आप जब भी बात करते हैं हमारे बालों के गिरने का बहुत प्रॉब्लम होता है, पानी ठीक नहीं आता, हमारी गजा ठीक नहीं है, हीट की वजह से सारा दिन हेलमेट पहने रहते हैं या खवातीन के बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए कुछ भी नहीं करना, हमारे पास सोल्यूशंस हैं डिफरेंट। अगर आप इजाज़त दें मैं दिखा दूँ, बिल्कुल, हमारे पास डिफरेंट किस्म के शैम्पूज हैं। अगर आप ये, मैं आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन है, ये जो ऑयल है ये 3 मरतबा दिन में लगना है, हफ्ते में लगना है और ये 7 दिन लगना है, 2.5 महीने तक, 2.5 मंथ्स। ये बॉलनेस का इलाज है। अच्छा, ये जो हमारा हेयर ऑयल है इसको अगर आप खोलें तो 7 ड्रॉप्स इसके निकले जाते हैं, इस तरह से 7 ड्रॉप्स आपके निकलते हैं और ये 7 ड्रॉप्स जो हैं ये आपके बालों की नरिशमेंट के लिए काफ़ी होते हैं। वो बाल जो खोए हुए होते हैं, खवातीन के बाल पतले हो जाते हैं, दो मुंह के हो जाते हैं एंड देन ऑल ऑफ अ सडन थिनिंग जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाती है। जब आपकी थिनिंग होने लगे तो आपको पता चल जाता है कि आपके बाल जो हैं अब आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, तो ये उस वक्त आप इस्तेमाल कीजिए और आप 2.5 महीने के बाद देखेंगे कि आपके बाल दोबारा से वापस आ गए। कि एक बॉटल 2.5 महीने के लिए काफ़ी होती है, एब्सोल्युटली काफ़ी होती है। लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे करना है? इस्तेमाल ऐसे करना है कि ये 3 आपके पास चीज़ें हैं जिसके अंदर एक आपका शैम्पू है, एक आपका हेयर ऑयल है और ये आपका सीरम है। ये तीनों चीज़ें, ये आपको हफ्ते में 3 दिन लगाना है, इस शैम्पू से धो लेना है, ये आपको 7 दिन लगाना है और शैम्पू से धो लेना है। आपके गिरते हुए बालों का इलाज है और आपके गिरते हुए बाल दोबारा से वापस आ जाएंगे। इसी तरह से अगर
आपको वॉल्यूमाइजिंग चाहिए, किसी को लगता है ना कि बाल बहुत ज़्यादा यू नो लाइट हो चुके हैं और उनमें वॉल्यूम नहीं आता, तो हमारे पास इसका ये वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू है, इट्स कॉल्ड मिल्की वाइट, और ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ डैंड्रफ के लिए भी शैम्पू मौजूद है, तो आप उसके लिए भी हमको कॉल कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, हाइपर पिगमेंटेशन बेतहाशा हो जाती है और गर्मियों के मौसम में और हो जाती है। हम अक्सर अपने हाथों को इस तरह से करते हैं और साथ साथ जो फूड हम खाते हैं चिकनाइयों की वजह से, फिर हमारी अपनी जो इनसाइड होती है स्किन की, और वो मुतासर होने लगती है। तो उसके लिए हाइपर पिगमेंटेशन के लिए हमारे पास ये पिग्मा लाइट है। अच्छा, पिग्मा लाइट क्या करती है कि आपकी हाइपर पिगमेंटेशन को न सिर्फ क्योर करती है बल्कि आपकी स्किन टोन को इवन कर देती है। बट देन अगेन याद रखिएगा, बेस्ट टाइम क्या है इसको लगाना, रात को आप सन एक्सपोजर आपको नहीं देना। अच्छा, इस पे भी डिस्काउंट है, 1000 रुपीज का डिस्काउंट है। 1000, ये 4500 की और इस वक्त ये 3500 की मिल रही है, और किसी भी बड़े लीडिंग ब्रांड से बेहतर है ये। अच्छा, ये विद इन वीक्स, विद इन डेज, मतलब 10 to 15 days आपको इसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। पर प्लीज एक बात याद रखिएगा, कुछ हाइपर पिगमेंटेशन जो बहुत अंदर की जानब होती है उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो ये याद रखिएगा, ये जरूर काम करती है, लेकिन देयर आर सर्टेन केसेस। अच्छा, कुछ दिन छोड़ छोड़ के लगाना है, रोज डेली लगनी है, और बहुत थोड़ी लगती है। जो आपका इफेक्टेड एरिया है आपने वहां लगा लिया, इधर लगा, लगाने की जरूरत, अगर आप पूरे मुंह पे लगाते हैं आपका पूरा मुंह गोरा हो जाएगा। That's what's gonna happen. पूरा मुंह बेहतरीन हो जाएगा। इसके अंदर अल्फा आर्बुटिन है और साथ साथ पी एक्सट्रैक्ट जो है वो शामिल है। इट इज रियली रियली गुड, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी आपको अभी इस वक्त अगर आप कॉल करते हैं निदा के शो पे तो आपको पता चल जाएगा, 4500 की वैसे है लेकिन अभी कॉल करते हैं तो 3500 की है, और आप इसको अभी कॉल कर सकते हैं। इसके बाद अक्सर लोगों ने हमसे कहा कि जी हमें ईद पे हमने बहुत खाया और इतना खाया कि हमें समझ में नहीं आया कि वेट कैसे बढ़ गया। उसके लिए मैं जो चीज़ इस्तेमाल करता हूँ वो ये है, ये ड्रैप इनलिस्टेड है, याद रखिएगा। ड्रैप जो है वो पाकिस्तान की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, उससे इनलिस्टेड है। तो कोई इसके हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है, 100% ऑर्गेनिक है। और ये आपने एक गोल्ड कैप लेना है। अच्छा, एक गोल कैप, 3 to 4 inches आपकी कमर जो है वो खत्म हो जाती है एक महीने के अंदर, 3 to 4 inches चले जाते हैं। लेकिन आपने साथ कहा था, हमेशा आप कहते हैं कि डाइट अगर आप कर रहे हो तो फिर नहीं, डाइट बिल्कुल नहीं लेनी, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो डाइट कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, आपने 14 से, इसके साथ सिर्फ एक ट्रिक है, 14 to 16 ग्लास पानी पीना जरूरी है। आपको हर सूरत में 14 to 16 ग्लास पानी पीना ही पीना है। अगर आप पियेंगे तो आप विद इन 2 weeks डिफरेंस देखेंगे, आपकी ये जो ये हिस्सा है ये लूज होना शुरू हो जाएगा। हाँ। आपका चेहरा जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। वो जो आपको गुलाई आ गई थी ना वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेगी। तो आप प्लीज इसको ट्राई कीजिए, और ये आप अगर मैक्सिमम 2 महीने भी इस्तेमाल करते हैं तो दैट्स इनफ फॉर यू, दैट्स इनफ। उसके बाद आप अपने आपको मेंटेन कर सकते हैं। तो ये हमारा है और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड कर्व। आप अभी कॉल कीजिए, उनसे कहिए मैंने निदा के शो पे देखा था, इस पे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। यू कैन कॉल। अभी ये वाला सेगमेंट जिसने मिस कर दिया ना, उसने पता नहीं क्या मिस कर दिया। अच्छा, अब मैं कुछ नई चीजों के बारे में बात करना चाहता हूँ। 3 ऐसी चीजें जो ब्रांड न्यू है। देखिए, अक्सर लोग ये बात करते हैं कि हमें गर्मियों के मौसम में एक्नी हो जाती है। बहुत, मुझे खुद हो जाती है भाई। अच्छा, तो एक्नी के लिए क्या किया जाए? अच्छा, ये सिर्फ एक्नी के लोगों के लिए नहीं है, वो जो अपनी स्किन को यंग रखना चाहते हैं। हाँ। क्योंकि इसके अंदर ऐसी चीजें हैं जो जिससे आपकी आपकी स्किन जो है, मैंडेलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है, ये ऐसी चीजें हैं जिससे आपकी स्किन जवान भी रहती है, यंग भी रहती है, इलास्टिसिटी जो आपकी स्किन की होती है वो भी बेहतर होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि हमारे पास ये एक्नी क्लिंजर है और ये ब्रांड न्यू है। दिस इज एब्सोल्यूटली जी अभी लॉन्च किया है। तो नियासिनामाइड के साथ है, सैलिसिलिक एसिड के साथ है, टी ट्री का एक्सट्रैक्ट इसके अंदर है, मैंडेलिक एसिड इसके अंदर है। आप इसको इस्तेमाल कीजिए, आपको आपको अपने चेहरे पे फर्मनेस नजर आएगी, साथ साथ आपकी पोर्स जो हैं उनका प्रॉब्लम जो है, उनके इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह, दिस इज डिजाइन फॉर ऑल स्किन टाइप। ये तमाम स्किन टाइप के लिए है। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं है तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये एक्नी कंट्रोल क्लेंजर है एंड इट इज रियली रियली, यानी आप बाहर से पहले आए जब, तो सबसे पहले मुंह धोने के बाद या मुंह धोने से पहले इसको करें? इसको आप मुंह धोने से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अंदर से पूरी आपकी क्लेंजिंग हो गई और फिर आप फिर उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। बट इट इज रियली रियली गुड। और जैसे इन्होंने निदा ने तरीका बताया, तरीका बिल्कुल यही है कि आपने पहले ये कर लिया, क्लेंस कर लिया अपने आप को, और उसके बाद मैं जो आपको बताऊंगा वो आप इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन इसके साथ भी आज हमने एक डिस्काउंट दिया है। वैसे ये 3000 का है, लेकिन अगर आप आज लेते हैं, निदा के शो को मेंशन करते हैं और ये पूरे वीक के लिए है, तो ये 2500 है। ये सिर्फ आपके शो के लिए 2500 है। तो आप कॉल कर सकते हैं, अभी कॉल कर सकते हैं। ये हमारा एक्नी कंट्रोल क्लेंजर कहलाता है। अच्छा जी, इसके साथ साथ मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारा
एक्नी कंट्रोल क्रीम है एंड दिस इज रियली रियली इफेक्टिव. ये दुनिया के किसी भी लीडिंग ब्रांड से बेहतर काम करेगा. अगैन इसके अंदर जो चीज़ें शामिल हैं, अल्फा आर्बिटिन शामिल है इसके अंदर, और टी ट्री एक्सट्रैक्ट शामिल है, सैलिसिलिक एसिड शामिल है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो दानों के ऊपर लगाना है. जी, दानों के ऊपर लगाना है आपने. और सबसे बड़ी बात ये फर्मनेस भी देगा, आपके दानों की जो कसाफतें हैं उनको रिमूव भी करेगा, दानों को भी रिमूव करेगा. हाँ. आपके जो एक्नी जो है उसको बढ़ने से भी रोकेगा. अच्छा. उसको प्रिवेंट भी करेगा. एनीथिंग एंड एवरीथिंग इट डज. तो ये इसका कॉम्बिनेशन है, इसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से. अगर आप हाँ. देखें, मैं इसको इस कॉम्बिनेशन को जोड़ रहा हूँ, ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं इनको, इस तरह से इस्तेमाल कर लीजिए और ये आप कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं. अच्छा, ये अगर वैसे आप लेने जाते हैं और बाहर की कोई बड़ी प्रोडक्ट लेते हैं तो 10,000 से 14,000 रुपए की आपको मिलेगी. लेकिन अगर आप हमारे पास से लेते हैं और आज लेते हैं तो इस पर 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट है. इट इज़ 4,000, लेकिन आज अगर आप लेते हैं तो ये 3,000 के अंदर आपको मिल जाएगी. अच्छा, ये बहुत थोड़ी लगती है, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी. तो ये एक जो चीज़ है ये काफ़ी होगी. आप रोज़ लगा सकते हैं, दिन में कितनी मरतबा लगा सकते हैं? आप डेली न लगाएं, 3 से 4 बार लगा लीजिए हफ्ते में, एंड इट्स अनफ. और एक दफा लगा ली तो बस लगा के छोड़ दी. ये नहीं होता कि मुंह धोया तो फिर दोबारा लगा. नो, नथिंग. एक बार लगा ली, लगा के छोड़ दी आपने, एक डेढ़ घंटा, दो घंटा, 20 मिनट्स इसको सिंक इन होने के लिए चाहिए होता है, उसके बाद ये अपना काम करती रहती है. तो इट्स रियली रियली गुड. तो इसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आज गर्मियों में होता है वो हमारी जल्द झुलस जाती है, और जब झुलस जाती है तो फिर ये होता है कि अचानक से हमको ऐसा लगता है कि हमारी रंगत जो है वो थोड़ी सी डार्कर साइड की तरफ चली गई है. वैसे तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप उसको बहाल करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हमने इंट्रोड्यूस किया है अल्ट्रा वाइटनिंग फेस वॉश. ये हमारे बाकी फेस वॉश से मुख्तलिफ है, ये अल्ट्रा वाइटनिंग आपको देता है, यानी 2 times 3 times ज़्यादा वाइटनिंग आपको देता है. किस तरह से देगा, बड़ा सिंपल है. सुबह के वक्त आपने इसको लगा लिया, बहुत थोड़ा सा लगता है, ये पूरे चेहरे पे आपने लगाया, यहाँ से यहाँ तक लगा लिया, और ये इंस्टेंट रिजल्ट देता है. इंस्टेंट मतलब इसकी वजह से एक्ने ही रुक जाएंगे ना, जब आप अच्छे से क्लेंस करेंगे फेस वॉश से. एब्सोल्युटली. अच्छा, और इंस्टेंट रिजल्ट देता है. अच्छा, इसके अंदर ग्रेप सीड ऑयल शामिल है. अच्छा. तो ग्रेप सीड ऑयल के बेनिफिट्स जो है वो बेतहाशा हैं. Okay. ये अच्छा, जितनी चीजें बताई, ये आपको रिंकल से भी फ्री करता है, एंटी एजिंग भी है. तो इट इज अमेजिंग. आप जैसे ही ये फेस वॉश लगाएंगे आपको थोड़ी सी अपनी स्किन पे फर्मनेस का, टाइटनेस का एहसास होने लगता है, और आपका चेहरा जो है वो टाइटन होने लगता है. फिर आप सनब्लॉक लगा लेना, आप वाली सनब्लॉक. में तो यही मैं अभी बोलने वाला था. जैसे ये धोया मुंह, बाहर निकल रही हूँ, नहीं निकल रही, कहीं भी जा रही हूँ, तो आपकी सनब्लॉक लग, मैं तो सूद कर जाती मेरी स्किन. जैसे ही मैं मेकअप के से पहले क्लेंस करती हूँ अपने मुंह को, उसके बाद जब मैं मेकअप करने जा रही होती हूँ, थैंक यू वेरी मच. निदा ने कहा बहुत अच्छी बात है. आमतौर पे मैं ये करती हूँ साहिर, जब मुझे कहीं बाहर निकलना, मेरी शुक्र है अच्छी स्किन है, उसे मेंटेन रखने के लिए मैं आपका सनब्लॉक लगाती हूँ पहले, और ऊपर टिंट लगाई बस हल्की सी, ये जा वो जा, और बाहर निकल गई बाजार. थैंक यू वेरी मच. तो ये कॉम्बिनेशन है, इससे आपका चेहरे की रंगत इंस्टेंटली बहाल हो जाएगी, मतलब साफ हो जाएगी, और इसके बाद अगर आप सनब्लॉक लगा लेंगे तो ये प्रोटेक्ट रहेगी. प्रोटेक्शन बहुत जरूरी होती है आज के लिए. जैसे आप बाकी चीजों पर डिस्काउंट दे रहे हैं, इस पे भी कुछ बिल्कुल है, बिल्कुल है. वैसे अगर आप लेते हैं तो 1800 का है, आज अगर लेते हैं तो 1500 का है. आप इमीडिएटली कॉल कर सकते हैं, जल्दी से आज कॉल करें और अपनी मनपसंद प्रोडक्ट हासिल करें, क्योंकि आज आपको डिस्काउंट ऑफर हो रहा है. थैंक यू सो मच साहिर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. और इंशाल्लाह उम्र और भी आगे जाएगा, और भी प्रोडक्ट्स आती है. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मिलेंगे.